हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आपके लिए मैं बहुत मेहनत करके एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया है, और इस वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मिलेंगे। इसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक है। अगर आप एक्सेल में एकदम बिगिनर हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत बेसिक से मैंने ABCD से स्टार्ट किया हुआ है। और अगर आप एक्सेल यूज़र हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं, तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें एडवांस फिल्टर, वी लुकअप और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस, बहुत सारे ऐसे मैजिक ट्रिक, बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट मैंने बताए हुए हैं। डेटा वैलिडेशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, कैसे डेटा इंट्री करनी है आपको एक्सेल में, ये सारे कॉन्सेप्ट को मैंने इसमें कवर किया हुआ। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा ये, फिर भी बड़ा रहेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि अगर आपके पास टाइम पूरा नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही शॉट में आप सारा वीडियो देख जाइए। आप वीडियो पूरा देखिए, लेकिन पार्ट पार्ट में आप देख सकते हैं, इसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें जितने टॉपिक्स हैं सबको हम टाइम लाइन सेट कर देंगे। आप जाके उस डिस्क्रिप्शन में उस टाइम लाइन पर क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर वही टॉपिक आपको स्टार्ट हो जाएगा, उस टॉपिक को आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैंने अपना पूरा एफर्ट इस वीडियो में लगा दे कि बहुत बड़ा वीडियो ना हो, बहुत 10 घंटे, 12 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के ना हो। बहुत एक शॉर्ट कोशिश किया कि सारे कॉन्सेप्ट को भी कवर कर लूँ और कम में हो जाए, तो पूरा कोशिश किया है। और आई होप आपको ये पसंद आएगा। और इतना मेहनत के बाद अगर पसंद आता है आपको तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन्स को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो ऐसे हम छोड़ेंगे आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाया करेगा। तो गाइस, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। स्क्रीन है और लैपटॉप में हमें एक्सेल ओपन करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन, कैसे हम एक्सेल को ओपन करेंगे? एक्सेल ओपन करने के कई सारे तरीके हैं। आप शॉर्टकट से भी एक्सेल को ओपन कर सकते हो, या ऑप्शन में जाके आप यहाँ से स्टार्ट मेनू में जाके यहाँ से एक्सेल को ओपन कर सकते हो। तो दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपको क्लिक करनी है और यहाँ पर सर्च करो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक एप्लीकेशन पैकेज है, एक प्रोग्राम है, देखो यहाँ पे। और मैंने अपने लैपटॉप में 2007 MS ऑफिस इंस्टॉल कर रखा और इसके साथ साथ 2019 भी इंस्टॉल कर रखा, तो दोनों में से कोई भी ओपन करनी तो दोनों तरीके से ओपन कर सकता हूँ, या तो शॉर्टकट किसी भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। और या तो आप जस्ट यहाँ सर्च बटन में क्लिक करो और राइट करो एक्सेल EXCEL, और यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्सेल 2007, या यहाँ पे जो एक्सेल क्यों लिखा हुआ है, ये 2019 एक्सेल है, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी हम ओपन कर सकते हैं। देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, सिमिलर ही रहेगा, फंक्शन फार्मूला सभी सेम ही रहेगा। कुछ नए फार्मूलास इसमें रहेंगे, कुछ जो 2007 या ओल्डर वर्जन एमएस ऑफिस एक्सेल में शायद काम नहीं करते हैं। ओके, तो ये हो गया। और दूसरा तरीका होता क्या है, आप विंडो और आर प्रेस करके यहाँ पे टाइप करो एक्सेल EXCEL, तब भी हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो एक्सेल का ये हमारा स्क्रीन है, और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन सेशन इसमें मैं लेता हूँ, एक्सेल क्या होता है और एक्सेल में किस तरह के हम काम करते हैं, कैसे कैसे काम करना है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले मैं देता हूँ आपको। देखो एक्सेल का स्क्रीन है, सबसे पहले इसमें देखिए ये जो स्क्रीन है, इसको जो ये है पेज, इसको हम बोलते हैं वर्क बुक। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप देखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट आता है, एक्सेल में आता है वर्क बुक। तो बुक वन करके आ रहा है, अभी दूसरा पेज अगर ओपन करें तो बुक टू आएगा। जब हम ये वर्क बुक ओपन करते हैं, एक्सेल ओपन करते हैं, तो इसके साथ बाई डिफॉल्ट वर्कशीट ओपन होती है। ये वर्कशीट, तीन वर्कशीट ओपन होती है, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, और ऐसे बहुत सारे वर्कशीट यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। शीट 4 आ जाएगी, शीट 5 आ जाएगी, जितने वर्कशीट चाहिए आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो वर्कशीट होती है, ये हमारा कोई पेज नहीं होता, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारा पेज आता है, यहाँ पे पेज नहीं होता है, इसको वर्कशीट बोलते हैं। और ये वर्कशीट बहुत बड़ी होती है एक्चुअली। इस वर्कशीट में आप देखते हैं यहाँ पे ये इसके जो पेजेस होते हैं, बहुत सारे पेजेस इसमें डिवाइड होते हैं, इस वर्कशीट में बहुत सारे पेज हो सकते हैं,
राइट एक्चुअली इसको रो एंड कॉलम में डिवाइड किया गया है, और जहाँ पे रो कॉलम मिलता है इसको हम, इस ब्लॉक को हम कहते हैं सेल। ये बहुत सारे ब्लॉक यहाँ बने हुए हैं और हर एक ब्लॉक को हम कहते हैं सेल, राइट। और ये सेल बनी होती है रो एंड कॉलम से। तो यहाँ पे हम जानते हैं कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है और कितने रो और कितने कॉलम होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से, जो आप 1, 2, 3, 4 ऐसे देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, कितने रोज है इसमें। और जो यहाँ पे आप देखते हो ABCD, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कॉलम, राइट। तो कितने रो और कितने कॉलम होते हैं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे एक्सेल के वर्जन्स में, जो अलग अलग एक्सेल के वर्जन है उसमें अलग अलग नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होते हैं। तो यहाँ से चेक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है, आपको इसको पूछने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट अपने सेल्फ चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल की होल्ड करना और डाउन एरो प्रेस करो तो नंबर ऑफ रोज की संख्या आपको मिल, नंबर ऑफ रोज आपको दिख जाएगा यहाँ पे 10,48,576 रो है यहाँ पे। और ऐसे ही इस प्रकार अगर आपको कॉलम देखनी है तो यहाँ पे कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉलम दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये आता है एंड में XFD, ये 2007 एक्सेल की मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, और ये अलग अलग वर्जन में नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, राइट। और यहाँ पे अभी नंबर हमें नहीं दिख रहा है, XFD ऐसे आता है, क्यों ऐसे दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला साइन करने के लिए इसीलिए दिया हुआ अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिक दोनों, ताकि फार्मूला आपका साइन करने में, एड्रेस को आइडेंटिफाई करने में ईजी हो, क्योंकि कोई भी एड्रेस जो होता है वो केवल न्यूमेरिक से नहीं बन सकता है, उसमें अल्फाबेटिक भी होना ज़रूरी होता है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहते हो कि इसे नहीं, हमें नंबर ऑफ कॉलम भी देखना है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से जाना है, ये ऑफिस बटन है, मतलब एक्सेल ऑप्शंस में जाना है और वहाँ से आप इसे प्रूफ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 2007 के केस में आपको ऑफिस बटन में जाना है, और अगर आपने यूज़ करें 2010 या 2019 वहाँ पे फाइल मेनू है, वहाँ पे जाके एक्सेल ऑप्शन में जाना, एक्सेल ऑप्शन सर्च करो कहाँ पे भी है, जो भी वर्जन आप यूज़ करें, और एक्सेल ऑप्शन में जाकर यहाँ पे फार्मूला पे जाना है, और यहाँ आपको दिखेगा R1C1 सेल रेफरेंस है, और यहाँ से कर दो ओके, ये नंबर्स आपको दिखा देंगे यहाँ पे। अब इंस्टीड ऑफ अल्फाबेटिक यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हो कितने नंबर ऑफ यहाँ पे कॉलम है, ओके। और फिर से हमें अपने पहले जगह पे जाना है, तो कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करो, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करो, तो आप नंबर फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, ओके। और फिर से हमें वैसे ही करना है, क्यों करना है, क्योंकि कोई भी फार्मूला आप असाइन करोगे तो इसका एड्रेस आप एलोकेट नहीं कर पाओगे, आप कन्फ्यूज रहोगे कौन सा किस कॉलम में किस नंबर रो पे हम हैं, ओके। तो इसलिए हमें क्या करना रहेगा, फिर से हम वहीं पे जाएंगे, एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे और फार्मूला में जाएंगे, और यहाँ से R1C1 रेफरेंस जो है इसको हम डिसेबल कर दें, अनचेक करके ओके कर देंगे, तो फिर से हम देखेंगे यहाँ की ABCD अल्फाबेटिक में आ गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ और टूल बार्स की, जो एक्सेल के ऊपर होते हैं, जो सबसे पहले ऊपर टॉप में देख रहे हो सफ़ेद कलर का ये टूल बार, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, जो कि पर्टिकुलर पैकेज को इंडिकेट करता है। यहाँ पे देखो एक्सेल वर्कबुक 1 इसको शो कर रहा है। इस टाइटल बार के राइट साइड कॉर्नर में आप देखते हो 3 बटन बने होते हैं, जिनको हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन के नाम से जानते हैं। ये इनफैक्ट हर पैकेज में रहता है, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, वहाँ इसी जगह पे ये रहेगा, ये तीनों फंक्शन बोलो या ऑप्शन बोलो इसको, ओके। तो ये हो गया हमारा, और इसके बाद हम इसके नीचे जस्ट हम देखेंगे, यहाँ पे मेनू बार है, जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस व्यू, ऐसे बहुत सारे टैब को इंडिकेट करता है। इनफैक्ट ये हम नहीं बोल सकते कि यही फिक्स रहेगा, ये अलग अलग वर्जन में अलग अलग ये आपको मेनू के नेम दिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 2003 में या 2010 में, तो यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन आपको दिखेगा, ओके। तो ये अलग अलग हो सकते हैं, बट अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन एंड फार्मूला ऑलमोस्ट सभी वर्जन्स में एक ही रहेगा, राइट। तो ये हो गया मेनू बार, और मेनू बार जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें जो भी फंक्शन हमें ओपन होते हैं आइकॉन्स के रूप में, ये जगह को हम बोलते हैं रिबन, यहाँ से यहाँ तक जो ये जगह हम देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं रिबन, ये ओके।
तो हर एक टैब पे आप देखेंगे उनका फंक्शन यहाँ पे आइकॉन्स के रूप में आ रहा है। इनको ये कहाँ पे प्लेस है, रिबन पे प्लेस है, ओके। और इन सभी आइकॉन्स को जो भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, सबका अपना अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़नी है, ओके ओके। और आगे हम चलते हैं यहाँ पे, इसके बाद नीचे हम देख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर, ये होता है एड्रेस बार और ये होता है फार्मूला बार। जो भी फार्मूला आप एक्सेल में लगाते हो वो फार्मूला यहाँ पे शो करता है, ओके और राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आ जाओ, टैब शीट इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो शीट दिखी हुई है, यहाँ पे शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, इसको हम टैब शीट बोलते हैं। और इस टैब शीट की प्रॉपर्टी होती है, राइट क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाती है। किसी टैब का नेम चेंज करना है आपको, डिलीट करना है या इंसर्ट करना है, ये हम काम कर सकते हैं यहाँ से, ओके। और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसको आने वाले टाइम में हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं आपको, ओके। इसके बाद यहाँ पे आओ, इसी टैब शीट में राइट साइड में देखोगे आप, यहाँ स्क्रॉल लेफ्ट राइट आप कर सकते हो और यहाँ पे स्क्रॉल अप डाउन भी हम कर सकते हैं, ओके। और इसके जस्ट नीचे आप आओगे तो ये होता है स्टेटस बार, और स्टेटस बार पे नंबर ऑफ शीट और जो भी इंफॉर्मेशन रहती है यहाँ पे दिखती है। और यहाँ पे आपको मिलेगी जूम साइज, जो अपने पेज को आप जूमिंग कर सकते हैं, जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं ऐसे, तो इससे क्या हो जाता है आपको बड़ा दिखने लगता है, ईजी हो जाता है काम करने के लिए, ओके। तो ये क्वेश्चन आता है कितना मैक्सिमम जूम साइज हम एक्सेल में कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मैक्सिमम कितना जूम साइज हम कर सकते हैं, 400 हम कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम 500 कर सकते हैं, ओके राइट। तो ये सारे हमारे क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है एक्सेल के। और जो भी आपको काम करना है एक्सेल में, आपके पास कई सारे तरीके हैं काम करने के लिए, या तो आप मेनू में जाओ, मेनू में जाके इसके पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज़ करना है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और या तो आप शॉर्टकट अगर मालूम है आपको, फार्मूला मालूम है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे फार्मूला के बदौलत आप सारा काम कर सकते हैं, आपको किसी भी ऑप्शन या मेनू में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट एक्सेल जो होता है ज़्यादातर फार्मूला में ही हम काम करते हैं, शॉर्टकट अगर आपको मालूम है तो आपको बहुत इजी रहेगा। तो इस वीडियो में आगे चल के मैं इसमें मैजिक ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, तो ताकि आपको इसमें काम करना बहुत इजी हो जाए और बहुत फास्ट तरीके से आप काम कर सको, ओके। तो ये हो गया, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कुछ और फंक्शनों का, जैसे मैं शॉर्टकट बोला, मैजिक की बोला और प्लस ऑप्शन में जाके करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, राइट क्लिक करोगे, ये सब के अलावा एक्सेल में जो होता है, यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं एक्सेल में, ये इसके अलावा एक्सेल में कुछ और हम कर सकते हैं क्या, कि एक्सेल के अंदर आप कहीं पे भी राइट क्लिक करके इसके फंक्शन पे हम जा सकते हैं। देखो यहाँ से कुछ नॉर्मल फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम यूज़ करना है, नंबर्स जो हमारे फॉन्ट के उनको इंक्रीज करना, डिक्रीज करना है, राइट। ये सभी फॉर्मेट फेंटर का यूज़ कर सकते हैं, ये फॉन्ट कलर कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, ये सारे फंक्शन हमेशा कहीं भी किसी भी सेल में या कहीं पे रह के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जस्ट राइट क्लिक करोगे तो ये चीज़ आ जाती है यहाँ पे, ओके। तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे है एक्सेल का। एक्सेल के अंदर ऑटोफिल प्रॉपर्टीज को कैसे हम यूज़ करते हैं, ऑटोफिल प्रॉपर्टी मीन्स ये हम कोई पाथ दे देते हैं एक्सेल में, ऑटोमेटिक को समझ जाता है कि इसके बाद के नंबर्स क्या होंगे, राइट। तो ऐसे हम कैसे यूज़ करेंगे, ऐसे सीरीज को कैसे यूज़ करना है, देखिए यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने पेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको दिखेगा क्लियरली अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो, राइट। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नंबर्स है और ये अल्फाबेटिक, कहीं पे ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये जो बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, ये रूलर टैब आप बोल सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ले सकते हैं अपना सीरीज। सपोज करो यहाँ से हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम दे रहे हैं 1 और 2, तो अगर इसको हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, और ऑटोफिल से पहले हम बता दें आपको ये माउस की प्रॉपर्टी जो होती है, यहाँ पे माउस एरो जो है, एरो की कैसे होती है, यहाँ देखो इसका तीन रूप होता है, एक तो ये जो है ऐसे
डॉक्टर की साइन जैसे वाइट दिख रहा है, इसको हम सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे कोई सिलेक्ट कर सकते हैं आप। दूसरा जो होता है, यहाँ से अगर ऐसा रहता है इसको मूव कर सकते हैं, एक जगह उठा के कहीं भी आप इसको मूव कर सकते हो। और दूसरा होता है यहाँ कॉर्नर से आप इसका फार्मूला लगा सकते हैं, इसको कैलकुलेट कॉल साइन बोलते हैं, यहाँ से फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसी साइन को हमें यूज़ करना होता किसी भी फार्मूला के लिए। तो यहाँ पे हम आते हैं कॉर्नर में, देखो ये फार्मूला कॉल साइन होता है, यहीं से इसको दबा कर और ड्रैग कर दो इनको, जहाँ तक आपको लेके जाना है वहाँ तक ये नंबर्स कैलकुलेट करता जाएगा, ओके लिखता जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अगर ये ऑटो फिल अगर आपको करनी है, गैप देनी है, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ दो और दो के बाद चार आए, तो दो दो का गैप दे देगा, मतलब एक टेबल जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। दोनों को हमें सेलेक्ट करना रहेगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको ड्रैग कर देंगे, यहाँ देखो एक टेबल बन के तैयार हो, कोई भी टेबल ऐसे 19 का अगर आपको टेबल लिखनी है तो 19 और एक पाथ आपको देना रहेगा 19 to 38, और इन दोनों को आपको सेलेक्ट करना रहेगा और कॉर्नर से ऐसे ड्रैग कर दो, तो ये 19 का फार्मूला आपको मिल जाएगा, 19 का टेबल आ जाएगा। इसी प्रकार कोई भी गैपिंग आप दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं देना चाहता हूँ 3 के बाद 8, मतलब 5-5 का गैप, तो इसके बाद तीसरा नंबर जो आएगा ऑटोमेटिक हो क्या आएगा, देख लीजिए यहाँ 5 का गैप करके आएगा वो, ओके 8 के बाद 5 13 ऐसे। तो ये हम ऑटो फिल, अगर यहाँ पे हम केवल एक दे रहे हैं और इसको हम अगर ड्रैग करेंगे तो एक एक करके आ जाएगा, अगर यहाँ पे हम 5 दे रहे हैं इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये केवल 5-5 करके आएगा। इसी प्रकार का अगर हम 1000 करेंगे तो 1000 आएगा, कोई भी नंबर अगर हम सेम करेंगे तो उतना ही आएगा, अगर अगर पाथ दे देंगे कितने का गैपिंग है तो वो ऑटोमेटिक को फिल कर लेगा, इसीलिए इसका नाम है ऑटो फिल प्रॉपर्टीज, ओके। इसके साथ साथ हम कोई इसमें नंबर्स, कोई डेज का भी हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका संडे होता है और संडे के बाद मंडे, ये ऑटोमेटिक ये समझ जाता है, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे आ जाएगा, ओके। और इसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं जनवरी और फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे भी मंथ का भी यहाँ से दे सकते हैं हम। इसी प्रकार अगर डेट आपको देनी है, कोई डेट दे दोगे तो उसके बाद वो डेट ऑटोमेटिक उस फॉर्मेट को समझ जाएगा, जैसे मान लो अभी आज हमारा सपोज करो 5 तारीख है, तो 05/03 और /2021 ऐसे मैंने दिया, इस फॉर्मेट को दिया, और इसको मैं क्या करूँगा स्लैश करूँगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ से देख सकते हैं कि ये डेट ऑटोमेटिक एक कन्वर्ट हो जाएगा डे बाय डे, ओके। ये है ऑटोफिल प्रॉपर्टी। और ऐसे ही कोई भी आप ऑटोफिल इसके इसी जैसे आप चाहो तो अपना कोई भी, बहुत सारे नाम लिखना है आपको, हमेशा नाम लिखनी है, तो आप क्या करो उस नाम को भी आप ऑटोफिल में ऐड कर सकते हो, तो नाम लिख के आप टैप ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक वो सारे नेम आ जाएंगे जो आपने ऑटोफिल प्रॉपर्टी में ऐड कर रखी है, ओके। ये एक्चुअली ऐड किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, और कस्टम में आप खुद ऐड कर सकते हो अपना, जैसे हमें लिखना होता है हमेशा लिखना है, मान लीजिए अमित लिखना है, रेनू लिखना है, ये सारे नेम हमेशा लिखने हैं, तो आप क्या करो ऑटोफिल प्रॉपर्टी में इसको ऐड कर लो। जैसे मैं क्या करता हूँ, कुछ नेम ऐड कर लेता हूँ, जब भी हमें रिकॉल करना रहेगा जस्ट मैं एक नाम लिखूँगा और उसको ड्रैग करूँगा, सारे नेम वहाँ पे आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, कैसे आप कस्टम व्यू को यूज़ करोगे, इसको हम कहते हैं कस्टम व्यू में ऑटोफिल को ऐड कर देना। तो यहाँ पर हमें जाना रहेगा, इसके लिए आपको ऑफिस बटन में, अगर आप एक्सेल 2007 यूज़ कर रहे हैं तो ऑफिस बटन में जाना है, अगर आप 2019 या 2016 यूज़ कर रहे हैं तो फाइल में ऑप्शन बटन ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, पॉपुलर में ही दिखेगा एडिट कस्टम व्यू, ये कस्टम लिस्ट, यहाँ पे जस्ट क्लिक करो और यहाँ पे देखो बहुत सारे कस्टम, ये जो मंडे ट्यूसडे जनवरी फरवरी जो भी आ रहा था यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसीलिए आ रहा था ये। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा कोई ऐड हो जाए, तो वैसे कुछ हम ऐड करा सकते हैं, यहाँ पे न्यू लिस्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे क्या करो आप लिख डालो यहाँ पे नाम, जैसे मैं लिख दूँगा यहाँ पे कोई एक नाम लिख दो, अमित हमें लिखना है, अमित कॉमा सुमित कॉमा राजू कॉमा राम, कोई भी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जैसे भी लिखना आप लिख डालो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राम रेनू
रोहित कॉमा अनु कॉमा शालिनी कॉमा अंशु, ऐसे मैंने बहुत सारे नाम लिख दिए हैं। इसको मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। अब इसमें से कोई भी नाम आप लिख के ड्रैग करोगे, सारे नेम आ जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको ओके कर लेता हूँ और यहाँ से भी ओके कर लूँगा। और यहाँ से कोई भी नाम लिखोगे तो उसमें से आ जाएगा। जैसे मैंने अमित लिखा था, तो जस्ट लिखो अमित और इसको ड्रैग कर दो यहाँ से, तो ये सारे नेम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ओके, ये सारे जैसे। तो ये कस्टम व्यू में जाके हम ऑटोफिल को ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जो भी रिकॉल करानी है आपको कभी, तो उसको ऐड करके आप रिकॉल करा सकते हो। एक्सेल के अंदर बेसिक फार्मूला को यूज़ कैसे करते हैं, जैसे एडिशन, सबस्ट्रिक्शन, मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवीजन, ऐसे बेसिक फार्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे, बेसिक साइन को हम कैसे यूज़ करेंगे इसमें, ओके। तो यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लेते हैं। सबसे पहले हम एडिशन आपको दिखाएंगे कि एडिशन्स को हम कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, चाहे आपका वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, कैसे भी रहे आप एडिशन कर सकते हो। और हम दो नंबर लेंगे, एक साइड वर्टिकल और एक साइड हॉरिजॉन्टल, दोनों साइड में आपको दिखाऊंगा और कैसे इसका एडिशन हम करेंगे। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ यहाँ से कोई नंबर, सपोज़ करो मैं यहाँ से ले लिया 4 और 8 और इसको मैंने ड्रैग कर दिया सिंपली टेबल के फॉर्मेट में। इनको मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर ये नंबर हो गया। और सेम लाइक यहाँ पर मैं कर दूँगा 4 और 8 और यहाँ से मैं दे दूँगा इनको ऐसे ऐसे, राइट। तो अब हम दोनों साइड ऐड करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे अगर ऐड करनी है, ऐसे ऐड करनी है, तो आपको यहाँ पे रखनी है। इसको मैं जूमिंग कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको इजी रहे देखने में। यहाँ देखो, अगर मोबाइल में आप देख रहे हैं तो आपको इजी रहेगा। तो यहाँ से देखो, इसकी एडिशन हमें यहाँ पे करनी है इस जगह पे, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं एडिशन करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन होता है, ये नंबर्स थोड़ा बड़ा हो गया, मैं थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, ज़्यादा नंबर्स आ गए। 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 यहीं तक मैं रखता हूँ, 20 तक, ताकि ईजी रहेगा, ओके। तो चलो, यहाँ पे अगर हमें एडिशन इसकी करनी है, तो सबसे पहला तरीका मैं बता दूँ, सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, जस्ट यहाँ पे लास्ट में कर्सर रखो और यहाँ पे ऑटो सम है, इस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए आप और एंटर कर दीजिए। यहाँ पे इस सभी का एडिशन बन के आ जाएगा, ओके। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक्सेल में कोई भी फार्मूला आपको देना है, इक्वल साइन मैंडेटरी होता है। सबसे पहले इक्वल साइन लगाना है आपको, इसके बाद आपको लिखना है सम और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर देना है। तो फर्स्ट नंबर इसका एड्रेस क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम एड्रेस इसका क्या है। तो ये बी नंबर में कितने नंबर रो पे है, 2 नंबर। बी नंबर कॉलम में कितने नंबर रो पे है, 2 में। तो इसका एड्रेस हो जाएगा B2, यहाँ पे B2। और शिफ्ट के साथ कॉलन का साइन लगा दो और यहाँ से ये B2 हो गया और कॉलन के बाद लास्ट नंबर दे दो, यहाँ पे क्या है बी नंबर में कितने नंबर, 6 नंबर पे है, तो B6 हो जाएगा, ये B6, राइट, यहाँ पे हो जाएगा B6। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्चुअली बाय मिस्टेक हो गया है, चलो फिर से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या देना है आपको, इक्वल टू सम ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट नंबर, हमारा एड्रेस क्या है इसका B2, और शिफ्ट के साथ कॉलन ये हटा दो आप और लास्ट नंबर आप दे दो यहाँ पे, तो B6 यहाँ से एंटर कर दो, ओके। इसका एडिशन बन के आ गया। या तो डायरेक्ट आप लिख लो ऐसे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में क्या लिख दो, B2। तो ये सब हटाने डिलीट करने की कोई लफड़ा नहीं रहेगा, कॉलन और B6, यहाँ पे देखते हैं 60 इसका एडिशन आ जाएगा, ओके। ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता, बट इस केस में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे सेम यहाँ पे भी हम दे देते हैं इसका। तो क्या करना रहेगा आपको, इज इक्वल टू सम और यहाँ पे आपको देना रहेगा क्या है इसका एड्रेस, B2 और कॉलन, या तो डायरेक्ट हम इसको ड्रैग कर देंगे ऐसे, ड्रैग कर दो तभी ये ले लेगा कहाँ से कहाँ तक, ओके, ये ले लेगा और
ये रहा इसका एडिशन, राइट, इसका एडिशन से हो गया। ऐसे इसी प्रकार यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, इज इक्वल टू और सम ब्रैकेट में डालने के बाद यहाँ से यहाँ तक आप क्या करनी है, ड्रैग करके एंटर कर दो, यहाँ पे एडिशन आ जाएगा। या तो हमें क्या करनी होती है, अगर कोई नंबर स्किप करनी है बीच में तब ये फार्मूला फ्लॉप हो जाएगा, वहाँ पे आपको एक एक एड्रेस देना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या देना रहेगा आपको, इज इक्वल टू और यहाँ पे दे दो ऐसे, इसको क्या रहेगा बी टू प्लस क्या हो जाएगा बी थ्री, राइट, प्लस अब बी फोर को हमें गैप करना है तो दे दो यहाँ पे बी फाइव प्लस बी सिक्स, ऐसे हम फार्मूला देके यूज़ कर लेंगे, राइट। तो ये हमारा एडिशन फार्मूला है, अलग अलग तरीके से हम एडिशंस को यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है अगर कोई, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, इज इक्वल टू सम लिखते हैं और ब्रैकेट में करने के बाद ऐसे ही लोग ड्रैग कर देते हैं। सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होता तो ये वाला फार्मूला होता है, बट अगर नंबर जहाँ पे स्किप करनी हो कोई तो ये फार्मूला नहीं यूज़ करते हम लोग, तो डायरेक्ट प्लस प्लस करके हमें यूज़ करना रहेगा। तो ये रहा हमारा एडिशन। अब हम बात करते हैं सबस्ट्रक्शन के लिए, तो हम दो नंबर कोई ले लेते हैं, तो कोई दो नंबर आप ले लो, यहाँ से हम ले लेते हैं 550 और इसमें से हमें माइनस करनी है 500 को, ओके। तो इसका सब इंस्ट्रक्शन वैल्यू कहीं पे भी आप इस एक्सेल के वर्कशीट पे किसी जगह पे भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे लगानी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल टू सम, कोई ज़रूरी नहीं उसके नीचे ही यहाँ पे सम और ब्रैकेट में, और आपको देना है ये इसका एड्रेस माइनस, और क्या माइनस करनी है ये ऐसे दे सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं फार्मूला में, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू और ये नंबर और माइनस कौन सा उसमें करना है तब ये आ जाएगा, ओके। तो इससे हम सब स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लाइकेशन कैसे करना है एक्सेल में, तो ये नंबर थोड़ा सा घटा देते हैं हम, 5 कर देते हैं या 7-8 कर देते हैं। चलो मल्टीप्लाइकेशन के लिए हमारे लैब एक्सेल के अंदर होता है स्टार्ट साइन, स्टार्ट साइन से हम मल्टीप्लाइकेशन का यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल हम दे सकते हैं इज इक्वल टू, तो इसका एड्रेस यहाँ पे है ये, और मल्टीप्लाई के लिए स्टार्ट साइन और ये नंबर, ओके, एंटर कर देंगे तो ये देखो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं डिवीज़न के लिए, तो डिवीज़न के लिए क्या होता है इज इक्वल टू और ये नंबर, और डिवीज़न के लिए स्लैश का यूज़ करते हैं हम, और किससे डिवाइड करना है ऐसे दे सकते हैं, तो इसका डिवीज़न आ जाएगा, राइट। तो ये जो हमारा बेसिक फार्मूला कुछ है, और इससे हम क्या एडिशन सब्स्ट्रक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का फार्मूला लगा सकते हैं। ऐसे ही परसेंटेज का फार्मूला हम लगा देते हैं, परसेंटेज का फार्मूला निकालने के लिए क्या है, जैसे सपोज करो हमारा कोई ऑप्टेन मार्क है, यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स हमने लिया ये 430 मार्क्स, एंड आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मैक्सिमम मार्क हमारा है 500, तो 500 में हमने गेन कितना किया है 430, सो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ माइन हियर, सो यू कैन फाइंड इजिली द परसेंटेज, हाउ कैन यू फाइंड द परसेंटेज इज इक्वल टू और ब्रेकेट, इफ यू वांट टू गिव सम यू कैन गिव, अदरवाइज डायरेक्ट यू कैन फाइंड इज इक्वल टू ऑप्टेन मार्क डिवाइडेड बाई ऑप्टेन मार्क डिवाइडेड बाई मैक्सिमम मार्क्स एंड मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो यहाँ इसका परसेंटेज आ जाएगा, देखो 86% यहाँ पे वैल्यू आ गई है। तो ऐसे हम कोई परसेंटेज का फार्मूला निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल में बहुत सारे फार्मूला, स्क्वायर रूट का फार्मूला अगर निकालनी है तो आप किसी की वैल्यू है, मान लो अगर आपकी वैल्यू है 2^10 कहते हैं 2^25, 2^5 की वैल्यू क्या होगी, तो 2^5 की वैल्यू निकालनी है तो मतलब 2 × 2 × 2 × 2 पाँच बार रहेगा, तो इसको डायरेक्ट हमें से लिखाएंगे 2^10, और रेस्ट पावर के लिए टॉगल साइन का यूज़ करेंगे और कितनी वैल्यू उसकी 5 ऐसे आ जाएगा देखो, राइट, किसी की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, 5 × 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए, तो इज इक्वल टू 5 एंड टॉगल 5 ऐसे करेंगे तो 5 की वैल्यू, ये 5 × 5 की वैल्यू आ जाएगा, ओके। तो ऐसे हम कोई भी फार्मूला निकाल सकते हैं।
तो ये बेसिक फार्मूला हमारा है एक्सेल के अंदर, सबस्ट्रक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज एंड स्क्वायर रूट का फार्मूला ऐसे हमें यूज करनी है। एक्सेल के अंदर मार्क्स कार्ड रिपोर्ट कैसे हम तैयार करते हैं, किसी स्कूल का मार्क्स कार्ड रिपोर्ट अगर तैयार करनी है सारे स्टूडेंट का कि उनके सारे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं और कितना परसेंट है, उनका क्या ग्रेड है, तो इसके लिए ये फार्मूला है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट तैयार कर रखा है, देखिए एक टेबल है यहाँ पर जिसमें मैंने बहुत सारे नेम ले रखे हैं, यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट और उनका मैक्सिमम मार्क्स ये है। सपोज़ करो पांच सब्जेक्ट है, 100 100 मार्क्स है तो 500 मार्क्स ये है मैक्सिमम मार्क्स, और ये उन्होंने गेन किए हुए हैं अपने अपने सब्जेक्ट में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में, ये उनके पर्टिकुलर मार्क्स जो उन्होंने गेन किए हुए हैं। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना फार्मूला, ऑप्टेन मार्क्स, परसेंटेज एंड ग्रेड, ये तीन फार्मूला हमें फाइंड करनी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टेन मार्क, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राप्तांक, कि 500 में कितना इन्होंने गेन किया है, कितना इनको मिला है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये पांचों सब्जेक्ट को ऐड करना है यहाँ पे, तो एडिशन यहाँ पे रहेगा। एडिशन कैसे करनी है हमें, इज इक्वल टू और ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पे, इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट में, यहाँ से यहाँ तक तो कोई नंबर हमें स्किप नहीं करनी, तो यहाँ से क्लिक करके और यहाँ तक आप वो कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दो, तो इसका एडिशंस आ जाएगा, एक लाइन का एडिशन आ गया। और इसको अब यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये सभी का ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट। अगर यही हम लिखते हैं यहाँ पे 70 प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो अभी एक पर्टिकुलर इसी रो के लिए केवल काम करता हो, राइट। इसीलिए हम इस कॉलम को हम डिफाइन करते हैं B2 C2 D2 ऐसे, ताकि वो इंटायर रो के लिए वो काम करेगा। अब यहाँ पर जस्ट कॉर्नर में तो हम यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे होल्ड करके, देखो ये सभी का फार्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, सारे सबके मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसके बाद हम इसका परसेंटेज निकालते हैं, सभी लोगों का क्या क्या परसेंटेज है, तो इसके लिए परसेंटेज के लिए फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू और ऑप्टेन मार्क जो आपका मिला हुआ है डिवाइडेड बाई, मतलब ये स्लैश मैक्सिमम मार्क्स कितना है ये, और मल्टीप्लाई हम कर देंगे किससे, 100 से, तो ये इनका परसेंटेज आ जाएगा। और इस परसेंटेज को अब हम ड्रैग कर देंगे यहाँ से, तो ये सभी का अपना अपना परसेंटेज निकल जाएगा। अब इनके ग्रेड के बारे में बात करते हैं, इनका ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड निकालने के लिए क्या होता है, कंडीशन लगाना है आपको, डिसाइड करना कितने में कितना ग्रेड देना है। अगर मान लो यहाँ पे कंडीशन में दे रहा हूँ, अगर किसी का मार्क्स जो है 75 एवव है, अगर कितना है 75 एवव है तो क्या रहेगा, ये ग्रेड रहेगा, परसेंटेज 75 एवव अगर है, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 75 है तो ये क्या रहेगा, ये ग्रेड रहेगा, यहाँ पे हम दे देते हैं। अगर हमारा कंडीशन क्या है, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 है तो ये क्या रहेगा, बी ग्रेड रहेगा। अगर हमारा परसेंटेज ग्रेटर देन 50 है तो ये सी ग्रेड रहेगा। अगर हमारा परसेंटेज ग्रेटर देन 50 लेस देन 50 है तो इसका ग्रेड क्या हो जाएगा, डी ग्रेड या फेल हो जाएगा। ओके, 50 से नीचे क्या हो जाएगा, डी ग्रेड हो जाएगा या उनको हम फेल मान लेंगे। तो ये चार कंडीशन है, इसको हमें लगाना है यहाँ पे, तो हम कैसे लगाएंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू इफ और ब्रैकेट में परसेंटेज की जो हमें हमारी कॉलम है क्या है, ये आई, तो हम I2 करके देंगे यहाँ पे, I2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हम लगाएंगे यहाँ पे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि 75 को भी लेगा, अगर इज ग्रेटर देन लगाएंगे 75 को नहीं लेगा, 76 से लेगा ये, तो इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75, एक कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा क्या, इन्वर्टेड कॉमा में ए ग्रेड डाल देंगे, कॉमा दूसरा कंडीशन,
इफ ब्रैकेट में परसेंटेज मतलब आई टू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बी ग्रेड आ जाएगा इनका अगर ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो, ओके कॉमा और फिर से तीसरा कंडीशन इफ ब्रैकेट में आई टू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 राइट 75 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में सी ग्रेड आ जाएंगे राइट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया हमने ये तीन कंडीशन हो गया चौथे कंडीशन के लिए क्या है इज इक्वल टू परसेंटेज मतलब आई टू इज लेस देन 50 करना रहेगा इससे बढ़िया हम इस फार्मूला को देंगे ही नहीं यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर देंगे अदरवाइज क्या हो जाएगा डी ग्रेड हो जाएगा तो अगर ये तीसरा कंडीशन नहीं फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ये डी ग्रेड ले लेगा राइट तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे तो अब हम देखेंगे कितने ब्रैकेट हमने इसमें ओपन कर रखे हैं तो एक ब्रैकेट दो ब्रैकेट तीन ब्रैकेट ओपन किए हैं ये तीनों ब्रैकेट आपको यहाँ से क्लोज करना रहेगा एक दो तीन ब्रैकेट को आपको क्लोज करना रहेगा फार्मूला आप लिख लो इसे और अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू आई हैव गिवन हियर ओके तो इसको हम प्रेस करेंगे एंटर और यहाँ पे देखो ग्रेड इनका आ गया क्योंकि ये 76% पाए हैं तो इनको ए ग्रेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओके और इसको हम क्या करेंगे ड्रैग करेंगे तो सबका अपना परसेंटेज ग्रेड आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ओके अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज हियर और यहाँ पे क्या होता है फार्मूला का फ़ायदा कभी इसमें गोलमाल करते हैं चाहे कम ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी देखो यहाँ पे अभी इस पर्सन को हम ए ग्रेड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से गोलमाल कर सकते हैं आप 80 और यहाँ से 90 है देखिए ए ग्रेड हो गया होगा ऐसे ऐसे कर सकते हैं ओके तो ऐसे हम मार्क्स कार्ड बना सकते हैं ऐसे भी कोई भी इसमें फार्मूला हम लगा सकते हैं परसेंटेज हो ग्रेड हो या ऑप्टेन मार्क्स हमें निकालनी हो एक्सेल के किसी भी टेबल में रो और कॉलम को कैसे हम इंसर्ट करते हैं कैसे हम डिलीट करते हैं कैसे रो और कॉलम को मैनेज करना है अगर आपने कोई टेबल बना रखी है और बाय मिस्टेक आप भूल गए हैं कोई टेबल उसमें कोई रो आपको लेनी थी या कोई और कॉलम छोड़नी थी वो आपने भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है एक्सेल के अंदर कभी भी कहीं पर भी आप रो इंसर्ट कर सकते हैं या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं या कोई अगर एक्स्ट्रा आ गई तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं राइट तो रो कॉलम को कैसे हम इंसर्ट या डिलीट करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास टेबल है और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि कुछ रो हम इंसर्ट कर लें ताकि हम यहाँ पे अपना मार्क्स कार्ड रिपोर्ट लिखना चाह रहे हैं इस जगह पे तो इसको कैसे हम करेंगे और इधर मैं चाहता हूँ सीरियल नंबर हमारे पास आ जाए ओके तो हम कैसे इसको इंसर्ट करेंगे सबसे पहले हम रो इंसर्ट करके आपको दिखा रहे हैं आपको कितने सेल इंसर्ट करनी है अगर एक सेल लेनी तो एक पे क्लिक करो दो अगर लेनी तो दो पे क्लिक करनी है हम एक पे पहले क्लिक करके दिखा रहे हैं आपको और इंसर्ट में जाना है और क्या इंसर्ट करनी है रो इंसर्ट करनी तो आप देखो एक रो इंसर्ट हो गई है तो इसी प्रकार आप अगर मान लो यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करो और रो इंसर्ट करो तो यहाँ से एक रो आपको मिल जाएगी ओके हमें इनफैक्ट यहाँ नहीं करनी है तो इसलिए मैं सिंपली दिखाना चाह रहा था आपको तो वैसे भी कर सकते हैं एक और हम इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ ताकि हम यहाँ पे इजीली अपना नाम इस मार्क्स कार्ड का लिख सकेंगे तो इंसर्ट रो ये देखो दो रो इंसर्ट हो गया है ओके अब हम चाहते हैं यहाँ से एक कॉलम इंसर्ट हो जाए ए नंबर कॉलम यहाँ से इंसर्ट हो जाए तो इसको सेलेक्ट करना है और इंसर्ट में जाना है और यहाँ से कॉलम आप इंसर्ट कर लो इस प्रकार अगर आप चाहते हो केमिस्ट्री के बगल में एक ब्लैंक कॉलम आ जाए एक एक्स्ट्रा कॉलम आ जाए तो यहाँ से आप ले सकते हैं ओके नहीं चाहिए तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से जाकर डिलीट भी कर सकते हैं हम इसको यहाँ से डिलीट रो डिलीट कॉलम ऐसे डिलीट हो जाएगा ओके तो इंसर्ट यहाँ से होता है यहाँ से डिलीट जो भी इंसर्ट रो इंसर्ट कॉलम इंसर्ट शीट भी होती है यहाँ से डिलीट शीट ये जो भी शीट हम शीट वन पे काम कर रहे हैं तो इसको डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो या एक्स्ट्रा वर्कशीट ओपन करनी है तो यहाँ से जैसे हम यहाँ से एक्स्ट्रा वर्कशीट लेते हैं आप यहाँ से भी वर्कशीट एक्स्ट्रा ले सकते हो इंसर्ट कर सकते हो देखो यहाँ आ जाएगा ओके चलिए
अभी हम बात करते हैं कहीं पे बीच में, जैसे मान लो ये एंटायर यहाँ पे हमें लेनी है, इंसर्ट रो हम करेंगे, तो ये क्या होती है, ये पर्टिकुलर वो एरिया नहीं होती, पूरा ये पूरे कॉलम को इंसर्ट कर देगा। ओके, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे इनको, डिलीट रो ये हो जाएगा। तो ये ऐसे हम किसी भी रो या कॉलम को कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं, इसका नाम चेंज करना, इसको मूव भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मान लो शीट नंबर 1 है, यहाँ राइट क्लिक करो, मूव और कॉपी शीट, यहाँ देखो दिया, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ से आप मूव कर दो, एक अगर मूव करना या कॉपी करना क्रिएट कर दो कॉपी, और किसके बाद 5 के बाद आ जाए तो क्रिएट कॉपी, तो ये किसका डुप्लीकेट कॉपी 5 के बाद बन जाएगा, एक तो हमारा 1 पे है ही है, एक 5 के बाद, और मूव करेंगे तो वहां सेट के वहां चला जाएगा, तो ऐसे भी हम काम कर सकते हैं। ओके, एक्सेल में किसी टेबल, एक्सेल के किसी टेबल में अगर आपको किसी रो को हाइड करनी है या अन हाइड करनी है, कैसे करेंगे, या कई सारे नंबर्स रो हैं उनको हाइड करनी है, या कई सारे कॉलम को हाइड करनी है, तो कैसे करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, और इसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ रो को मैं हाइड कर दूँ, राइट, आई वॉन्ट टू हाइड ऑल द सब्जेक्ट हीयर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे और इनको हमें हाइड करनी, मैं चाहता हूँ ये कोई भी सब्जेक्ट ना आए, यहाँ पे नेम आए स्टूडेंट का, उनका मैक्सिमम मार्क्स आए और अपटेन मार्क आए, परसेंटेज और ग्रेड आ जाए, बस इसको हमें हाइड करनी है। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसको तो एक एक करके आप हाइड कर सकते हो, या सबसे बढ़िया क्या होता है, आप इसको ग्रुप बना के कर सकते हैं। तो इसको ग्रुप हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, इनको सेलेक्ट करना है, जितने भी रो को आपको हाइड करनी है उनको सेलेक्ट करो, पूरे को सेलेक्ट करो, और कहाँ पे जाना है आपको, डेटा में जाना है, और डाटा में जाकर यहाँ पर ग्रुप ऑप्शन है, और इसको ग्रुप कर देंगे। और क्या चीज़ है ये, तो ये कॉलम है, कॉलम को हमें कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से मैं कर दूँगा ओके, तो ये कॉलम आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, इस माइनस से यहाँ से देखो हाइड हो जाएगा। तो अब आपको क्या दिखेगा, केवल यहाँ पर नेम, मैक्सिमम मार्क्स, ऑप्टेन मार्क, परसेंटेज एंड ग्रेड, ऐसे केवल इतना ही चीज़ दिखेगा। अगर इसको प्रिंट करना है, चाहे जो भी करना, आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा देखना है, एक्सप्लोर करना, तो यहाँ पे आप प्लस करो तो ये एक्सप्लोर हो जाएगा, फिर से आ जाएगा, बट ये बना बनाया रहेगा। तो इसको अगर आपको हटाना है, तो फिर से आपको क्या करना रहेगा, आपको यहीं पे जाना रहेगा और अनग्रुप डेटा में क्या करना रहेगा, अनग्रुप करना रहेगा। और क्या चीज़ है, एक कॉलम है, इसको अनग्रुप कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा। तो कभी भी अनग्रुप करने से पहले आपको क्या करना रहेगा, डिसाइड करना रहेगा कितना आपको अनग्रुप करना है। तो मैंने कर्सर यहाँ पे रखा था, जहाँ पे कर्सर रहेगा वहीं से ये ब्रेक कर देगा, ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। तो कभी ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैं जानबूझ के ऐसे किया था, ताकि आपको ये ट्रबल शूटिंग मालूम हो जाए। ओके, तो क्या करना होता है, पूरे जितना आपने ग्रुप का रखा था उसको पूरे को सेलेक्ट करना है, और अब जाके अनग्रुप करेंगे तो पूरा ये पहले जैसे फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉलम लेंगे और इसको ओके करूँगा, देखो सारा ये हट जाएगा ग्रुप। ओके, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि यहाँ पे नेम जो है, इसमें यहाँ राजू से लेकर और अनु तक, ये हम ग्रुप बना के रखें, जब भी हमें करना हो मैं हाइड कर सकूँ। यहाँ से क्या करना है, दो दो का अगर ग्रुप बनाना है तो दो दो का ग्रुप आप बना सकते हैं, यहाँ से दो दो का ग्रुप बना सकते हैं आप चाहें तो, तीन तीन का ग्रुप बना सकते हैं, जैसा आप चाहें तीन तीन का ग्रुप बना लेते हैं। चलो यहाँ से तो ग्रुप, और ये क्या है, रो है, इनको हमने ग्रुप बना लिया, यहाँ से इनको हम ग्रुप बना लिए, ऐसा हम काम कर सकते हैं, यहाँ से इनको हमने ग्रुप बना लिया।
राइट तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ग्रुप बन गया। और अब जब इस माइनस पे क्लिक करोगे पूरा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और जब आपको चाहिए तो यहाँ से प्लस पे कर दो। अब ब्रेक नहीं है यहाँ पे अनग्रुप करना, तो यहाँ से अनग्रुप आप कर सकते हो, यहाँ जाके अनग्रुप कर दो, तो यहाँ से अनग्रुप हो जाएगा। ये देखो अब यहाँ से यहाँ तक की इधर का आ गया है, राइट। अब पूरे को अनग्रुप करना है तो क्या करना है, हमें पूरे को सिलेक्ट करना है और क्या करना है, यहाँ से अनग्रुप करना है, अनग्रुप और रो ये यहाँ से हट जाएगा। ओके तो ऐसे हम किसी भी कहीं पे भी आप ग्रुप करके इनको हाइड या अनहाइड कर सकते हैं, किसी भी रो को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीका से कर सकते हैं, जैसे मान लो इसको हमने सेलेक्ट किया और इसके लिए हम यहाँ होम मेनू में जाकर और फॉर्मेट में भी हम कर सकते हैं, रो को हाइड कर सकते हैं या अनहाइड कर सकते हैं यहाँ से। ओके रो यहाँ देखिए रो हाइड करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं इनको, राइट। ये देखिए हाइड हो गया, ऐसे अनहाइड करनी है तो फिर से आपको यहाँ जाकर और क्या कर देनी है, आपको अनहाइड कर देनी है यहाँ से, अनहाइड रो, तो फिर से ये आ जाएगा, राइट। तो ऐसे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट ग्रुप करके करना ये ज़्यादा बेनिफिट होता है, ज़्यादा बेटर रहता है प्रोफेशनल वे में। ओके तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेसिक एक्सेल। एक्सेल वर्कशीट में किसी भी सेल की हाइट एंड विड्थ को कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे डिक्रीज करेंगे, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इस टेबल में कैसे हम इंक्रीज करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक किसी भी एक सेल, इनफैक्ट अगर एक सेल में करेंगे तो पूरे रो में होगा या पूरे कॉलम में वो होगा। ओके तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप पूरे को सेलेक्ट करो। अगर एक इंडिविजुअली करना क्या तरीका है, एक तो यहाँ से पकड़ के आप ऐसे बढ़ा सकते हो और यहाँ से भी पकड़ के ऐसे रो को हाइट ऐसे एक एक करके कर सकते हैं, राइट। ये ऐसे करके हम कर सकते हैं, एक तो ये तरीका हो गया, डायरेक्ट आप मैन्युअली कर सकते हो, या तो ऑटो अगर करनी है तो उसके लिए क्या करनी है, आपको इसको पूरे को सेलेक्ट करो और आपको जाना है फॉर्मेट में, होम टैब में फॉर्मेट में जाना है और रो की हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 15 यहाँ दिया है और मैं कर देता हूँ यहाँ पे 30, तो देखो इसकी ये बढ़ जाएगी, राइट। ये कुछ ज़्यादा हो गया, मैं 30 के बदले 22 कर देता हूँ, तो ये देखिए, राइट। और इसी प्रकार मैं इसके कॉलम का विड्थ में बढ़ा लेता हूँ, 8.83 बाई डिफ़ॉल्ट रहता है, मैं 12 कर लेता हूँ इनको, तो ये देखिए ऐसे कॉलम का विड्थ बढ़ जाएगा। ओके और इंडिविजुअली भी मैंने बताया, आप इंडिविजुअली भी इसको कर सकते हैं। अब हम इसमें अलाइनमेंट के बारे में बात करते हैं, सेल की अलाइनमेंट कैसे हमें सेट करनी रहेगी। तो यहाँ पे देखो ये अलाइनमेंट यहाँ पे है, सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई कैसे करना रहेगा। अगर आपको एक सेल में करनी हो या पर्टिकुलर पूरे करनी है तो पूरे को सेलेक्ट करो, इतने को हम कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए आप इसका थोड़ा सा मैं जूम साइज और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ दिखने में समझ में आएगा। और इसको मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ से हम बॉर्डर ले सकते हैं ऐसे। अभी हम बॉर्डर के बारे में बात करेंगे बाद में, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा ताकि आपको समझ में आएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ से देखो लेफ्ट अलाइनमेंट है, सभी लेफ्ट साइड में हो गया, ये टॉप में आ जाएगा और ये जो होता सेंटर में आ जाएगा और ये सेंटर में, बकायदे दोनों साइड ये दोनों सेंटर में आ जाएगा ऐसे। ओके और ये जो है राइट साइड में, राइट साइड में जहाँ पर, राइट साइड में सेंटर में, राइट साइड में टॉप में, राइट साइड में ऐसे, राइट। ये अलग अलग अलाइनमेंट है, यहाँ से हम ऐसे इसको सेट कर सकते हैं। ओके और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप देखो
ये जो है इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे करनी है, ऐसे पोजीशन में आ जाएगा। हम पूरे को ना सिलेक्ट करके केवल एक रो को अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ये देखो ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे इस पोजीशन में आ जाएगा। थोड़ा सा इनको बड़ा कर लेते हैं हम, ताकि आपको दिखेगा ऐसे। ओके, तो ये ऐसे आ जाएगा, नहीं ऐसे हमें नहीं चाहिए। हम रोटेट अप करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा ये, यहाँ देखो ऐसे ही आ जाएगा। ओके, और अगर हम यहाँ से क्या कर देंगे, रोटेट डाउन कर देंगे, टेक्स्ट डाउन कर देंगे, तो ऐसे ऊपर से नीचे को आएगा। ये सेंटर में है इसलिए ऐसे हो रहा है, ठीक है। ऐसे देखो बाई डिफॉल्ट जो रहेगा, और इसको अगर हम कर देंगे यहाँ से अप में तो ऐसे, और राइट यहाँ से चेंज कर दें इनको डाउन। अब क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉटम सेलेक्ट कर रखा है, राइट। तो ये इसलिए नहीं जा रहा, लेकिन ये चीज पोजीशन इसका चेंज हो रहा है। देखो अप है तो ऊपर से नीचे लिखा जाएगा, और अगर इसको हमने डाउन किया तो नीचे से ऐसे, ठीक है। ये नॉर्मल मैंने कर दिया, तो ये रोटेशन इसकी वो चेंज कर सकते हैं। या तो आप इसको क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो तो ये फॉन्ट का पूरा ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ से भी हम इसको चेंज कर सकेंगे। यहाँ से अलाइनमेंट, इसको यहाँ से ऐसे हमको चेंज कर लेंगे इसका पोजीशन थोड़ा बहुत ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ये सेंटर सेंटर ले लिया, और सेंटर नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमें इधर चाहिए। तो यहाँ से आप थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, या थोड़ा सा इस साइड मूव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एग्जैक्ट सेंटर में आएगा, एग्जैक्ट लेफ्ट में आएगा, एग्जैक्ट राइट में आएगा। इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आप इधर उधर और मूव कर सकते हैं इसे। ओके, तो इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, इसको भी यूज़ हम कर सकते हैं यहाँ से, राइट। अलाइनमेंट का ही एक पार्ट ये है। ओके, और इस अलाइनमेंट को आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल ई, राइट। ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हम अलाइनमेंट करते हैं। किसी एक्सेल टेबल में हम फॉन्ट की सेटिंग कैसे करेंगे, या कोई भी नंबर्स या अल्फाबेट कुछ भी लिखे हुए हैं उनकी फॉन्ट हम स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, फॉन्ट कलर कैसे चेंज करेंगे, फॉन्ट स्टाइल, ये सारी चीज़ें हम इसमें बताते हैं। यहाँ देखिए एक टेबल हमारे पास है, और आपको अगर इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, या फॉन्ट कलर करनी है, तो इसके लिए यहाँ पर आप देखो फॉन्ट ऑप्शन है, ये सारा फॉन्ट के अंडर में आता है। यहाँ से हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ये नहीं चाहिए तो कोई और कलर यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से इसके शेडो कलर हम दे सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इस पॉइंट से दूसरा दूसरा कलर हम चेंज कर सकते हैं, राइट। यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। इसको शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई एंड कंट्रोल यू, और अंडरलाइन में अलग अलग, यहाँ पे डबल अंडरलाइन लेना है तो डबल अंडरलाइन आ जाएगा, या सिंगल लेना है तो सिंगल अंडरलाइन आ जाएगा। ओके, इसके बाद है यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बॉर्डर कैसे लेना है, कहाँ पे बॉर्डर आपको लेनी है। तो ये बॉर्डर अलग अलग लेने के, देखो बॉटम में बॉर्डर लेना है या आउटसाइड में बॉर्डर लेना, आउटसाइड मतलब आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा। और इसको आप अगर प्रिंट प्रीव्यू करके देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें। तो यहाँ देख सकते हैं अभी एक पेज के अंडर में आया, ये बाहर चला गया। जब प्रिंट प्रीव्यू करते तो आपको मालूम हो जाता है एक पेज की विड्थ और हाइट कितनी है। देखो यहाँ से यहाँ तक एक पेज आ गया, ये ग्रेड हमारा बाहर चला गया है, राइट।
तो इसको अगर अंडर में लेने के लिए हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो पेज सेटअप हम अभी हम बाद में बात करते हैं इस सेशन में, अभी हम कलर के बारे में बात कर रहे हैं, फॉन्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया बॉर्डर कैसा लेना। अगर ऑल बॉर्डर आप ले लेंगे तो ये सारा बॉर्डर आ जाएगा, ओके। और इसके बाद जो है यहाँ पे इंक्रीज़ करना है टेक्स्ट को, इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ करना है डिक्रीज़ कर सकते हैं, और या तो यहाँ से आप नंबर्स को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, और यहाँ से फॉन्ट के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो, कौन से स्टाइल में आपको देना है। यहाँ बहुत सारे स्टाइल रहेंगे हमारे, तो आप इनमें से किसी को एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ इसमें। ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर में अगर आप चाहते ऐसे ना लेके आप ड्रॉ बॉर्डर भी कर सकते हैं। हम कर देंगे नो बॉर्डर, और यहाँ से ड्रॉ बॉर्डर है, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो, ड्रॉ करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे कहाँ तक आपको लेनी है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से जहाँ लेनी हो आप, पॉइंट दिखेगा आपको, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं इस बॉर्डर की मदद से। ऐसे देखिए, तो जहाँ जहाँ आपको चाहिए, जैसे भी चाहिए वैसे हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ये। इसका एक एडवांटेज और भी है, ये बॉर्डर लिया आपने और यहाँ से जाकर और इसको इरेज भी कर सकते हैं आप, यहाँ से किसको नहीं चाहिए कौन सा आप इसको इरेज भी कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए उसको आप इरेज कर दो, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये नहीं इरेज हुआ था, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए इरेज हो गया सारा, राइट। तो ये इस ऑप्शन का भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम इनवाइस बिल वगैरह बनाते हैं वो हम यहाँ से इसका यूज़ करते हैं, ओके। ड्रा बॉर्डर से के बजाय उसी का यूज़ करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप जो हम बॉर्डर ले रहे थे उसका लाइन कलर आप दे सकते हैं, लाइन का स्टाइल आप देख सकते हैं कि बॉर्डर लेना है तो आप क्या करना है। देखो डबल लाइन में अगर बॉर्डर लेनी है तो डबल लाइन में आ जाएगा बॉर्डर आपका, सिंगल लाइन में लेनी है सिंगल लाइन में आ जाएगा, उसका कलर चेंज करनी है कलर चेंज हो जाएगा, राइट। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, हम यूज़ कर सकते हैं इस बॉर्डर को भी, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हम अभी फ़िलहाल कर दे रहे हैं नो बॉर्डर, ओके। और ये इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो कट कॉपी पेस्ट है क्लिपबोर्ड का, और ये भी हम यूज़ करते हैं कट कॉपी पेस्ट, आपको मालूम ही है। यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की, अगर आप चाहते हो कि ये वाली जो स्टाइल है इसी स्टाइल में आ जाए, है ना, तो इसको हमें क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर करना है, जिसको आपको सेलेक्ट करोगे वो उसी फॉन्ट साइज में हो जाएगा, ऑलरेडी उसी फॉन्ट साइज में है वो, ओके। तो ये अभी हम चाहते हैं ये वाला कलर नहीं हुआ है ऐसे ही हो जाए, तो हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करनी है और फॉर्मेट पेंटर हम करेंगे और इस पर हम क्या करेंगे सेलेक्ट कर देंगे तो उसी स्टाइल में हो जाएगा। किसी टेबल में अगर हमें मर्ज करना है सेल को, कैसे हम करेंगे, देखिए इसी में हम करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इंसर्ट रो एंड कॉलम करते हैं, रो को इंसर्ट कर ले रहे हैं, इंसर्ट रो, और भी करना है तो और इंसर्ट कर लीजिए यहाँ से, ये हमने इंसर्ट कर रखा है। और यहाँ पे हम मर्ज बताते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर हमने एक आउटसाइड बॉर्डर ले लिया यहाँ से, इसको हम पूरा ऑल बॉर्डर ले लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये देखो ये है, अब यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, यहाँ देखिए ये क्या होता है, अगर इसको हम मर्ज करते हैं राइट, तो यहाँ से क्या हो जाता है, तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम सेलेक्ट किए हमने और मर्ज एंड सेंटर करेंगे, सब कुछ हट जाएगा, जो भी हम लिखेंगे ये सेंटर से लिखिएगा, ओके ओके। और यहाँ से इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको अनमर्ज कर देते हैं, पहले जैसे आ गया टेबल ले लेते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन और है मर्ज एक क्रॉस, मतलब ये क्या करेगा, लाइन वाइज ऐसे आपको मर्ज करके दे देगा, ओके।
अनमर्ज करना है तो यहाँ से आप फिर से इसको अनमर्ज कर सकते हैं, राइट। और यहाँ से किसी सेल को हम मर्ज कर सकते हैं, राइट। मर्ज एंड सेंटर का यूज होता है, ऐसे आप कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिख दिया मार्क्स कार्ड रिपोर्ट, मार्क्स शीट रिपोर्ट, रिपोर्ट ऐसे लिख दिया, राइट। और इसको आप सेंटर में सेट कर सकते हैं, सेंटर एंड सेंटर या लेफ्ट राइट कहाँ पे हमें सेट करनी है, ऐसे हम सेट कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा फॉन्ट से रिलेटेड है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, अलाइनमेंट के बारे में, और ये, और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को भी मैंने बताया। यहाँ से जैसे मान लो इसको सेम टेक्स्ट कर देनी है तो इसको सेलेक्ट करो और फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ से आप इस पर क्लिक कर दो तो वो उसी स्टाइल में आ जाएगा पूरा, ओके। और मर्ज करोगे तो मर्ज हो जाएगा ये। मर्ज सेंटर ऐसे, एक्सेल शीट के टेबल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कलर को अलग अलग रेंज में हम कलर कर सकते हैं। एक्चुअली जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या कलर जो भी है, इसकी कलरिंग जो होती है, आप इसके अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कि रेंज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मैं इस टेबल को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, मैं कंडीशनल यहाँ पे फॉर्मेटिंग में, वैसे नॉर्मली आप क्या कोई भी कलर करते हो तो पूरे में हो जाता है, राइट। हमें क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें करनी है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर, और यहाँ पे देखो अलग अलग है, यहाँ पे चाहो तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ऐसे ऐसे अलग अलग टेबल यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है तो उस स्टाइल में आप यूज़ कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, मैनेज रोल्स में जाएंगे और यहाँ पे न्यू रोल हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो बिटवीन यहाँ पर, ओके, सेल बिटवीन। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये दे दो यहाँ पे कंटेंट सेल, यहाँ देख दीजिए फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, ओके। कंटेंट मतलब जो लिखा हुआ है उसी को केवल ये फॉर्मेट चेंज करेगा। ये बिटवीन मैंने सेल वैल्यू बिटवीन दे दिया है और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा कहाँ से कहाँ तक हमें कौन सी फॉर्मेट चेंज करनी है। तो 50 मुझे लगता है 50 के बिलो कोई नंबर नहीं है, तो 50 से एबव ही हम दे रहे हैं यहाँ पे। 50 to 70 मैं दे देता हूँ यहाँ पे, 50 to 70 नंबर जो रहेंगे, 50 से लेकर और 70 तक जो भी नंबर रहेगा उसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, यहाँ से आप चेंज कर लीजिए। फॉर्मेट में जाके उसको बोल्ड कर लो, उसका कलर आप, उसका फॉन्ट साइज, उसका कलर जो भी देना है आप यहाँ से दे दीजिए, राइट। और बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे दो, फिल कलर देना है तो यहाँ से ये फिल कलर हम दे देंगे तो ऐसे आ जाएगा वो, राइट। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे, और यहाँ से भी हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखो जो भी 50 से लेके 70 के बीच में जो भी वैल्यू है उसका कलर ये चेंज हो गया है इस टेबल के अंदर। अब मैं दूसरा कंडीशन इसमें देना चाहता हूँ, फिर से हम वहीं पे जाएंगे, न्यू रोल में आप जा सकते हैं या मैनेज इसमें जा सकते हैं, और यहाँ से फिर से हम रेंज लेंगे बिटवीन का, और अब हम करेंगे 71 से लेकर, और यहाँ पे मैं दे दूँगा 100 तक, और इनका फॉर्मेट आई वांट टू चेंज, पहले फिल हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड दे दिया हमने, और बॉर्डर अगर देना है बॉर्डर दे दो, फॉन्ट कलर इसका हम इटैलिक दे देते हैं, और फॉन्ट का कलर हम दे देंगे यहाँ पर ब्लू, और ओके कर देंगे तो ऐसे ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 100 तक ये ऐसे आ गया। अब हम कुछ बड़ी रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं 200 से नीचे कोई नहीं है, तो 300 से के रेंज को हम यूज़ करेंगे यहाँ से। तो चलो
यहाँ से हम क्या दे दे रहे हैं, सेलेक्ट करेंगे और सेम वहीं पे न्यू रोल में जाकर और यहाँ पे बिटवीन और 300 से लेकर और 400 तक हम दे देंगे, 400 तक। इसका क्या चेंज करना चाहते हैं आप, यहाँ पे हम बोल्ड दे देंगे और इनका कलर हम फिर से येलो दे देंगे और इनका बॉर्डर देना है और फिल कलर हम रेड दे देंगे, तो ये ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से ये ऐसा आ गया। और अब हम देंगे 400 से लेके 500 का रेंज, तो यहाँ से जाकर और फिर से मैं यहाँ पर देखिए ये सारे रेंज हमने अलग अलग सेलेक्ट कर रखे हैं, तो ये हो गया। न्यू रोल हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर कॉन्टेक्ट में और यहाँ पे हम दे देंगे 400 से लेकर 400 से लेकर और 500 का रेंज हम देंगे यहाँ पर 500। और इसको हम दे देते हैं यहाँ से ये फिल कलर ब्लू, और बॉर्डर अगर देना है तो ये दे देंगे, फॉन्ट अगर बोल्ड करनी है एंड इफ़ यू वांट टू गिव फॉन्ट येलो दैट वुड बी ग्रेट एक्चुअली। ये देखो ऐसा आ जाएगा, ओके करो तो ये देख सकते हैं आप 400 से अबव का ऐसा आ गया। तो ऐसे हम अपना ये 45 नहीं हुआ क्योंकि हमने 50 से अबव लिया था, राइट। जो भी आपका अब ये सब नहीं लिया क्योंकि ये केवल नंबरिंग को हमने वो यूज़ किया है, राइट। तो ऐसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन एक्सेल, राइट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का वैसे मैनुअली भी आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप क्या करो यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट, यहाँ फॉर्मेट टेबल है, अलग अलग फॉर्मेट का टेबल बना हुआ है, इसको भी आप ले सकते हैं तो उस लेवल का टेबल आ जाएगा। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं इनका हेडर और जो भी देना है यहाँ से डिटेल दे सकते हैं ऐसे, ओके। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। एक्सेल में कुछ बेसिक फार्मूला और मैं बताता हूँ आपको, इसमें काउंट के बारे में, काउंट फार्मूला का यूज़ करेंगे और राउंड फार्मूला का यूज़ करेंगे। काउंट फार्मूला का यूज़ हम पहले राउंड फार्मूला का यूज़ कर लो। राउंड राउंड से क्या होता है, राउंड फिगर में आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ये दिया है 76.4 ऐसे दिया हुआ है, तो इसको हम चाहते हैं राउंड फिगर में आ जाए यहाँ पे, तो इज इक्वल टू यहाँ पे राउंड ये फार्मूला देना है आपको, ब्रैकेट लगाओ और यहाँ से यहाँ तक इसका रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेनी है, कॉमा 0 लगा देंगे, मतलब वो राउंड फिगर में आपको आ जाएगा। देखो 76.4 था, ये 76 आ गया। अगर ये डेसिमल के बाद अगर नंबर 5 या 5 से अधिक रहेगा तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा लेफ्ट साइड में, अदरवाइज वो उतना ही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो 48.8 था तो 49 हो गया, राइट। 85.8 था तो 86 हो गया, और बाकी ये जो 83.6 था तो 84 हो गया, यहाँ पे 68.2 था तो 68 ही रहेगा, 4 है तो ये सभी उतना ही रहेगा, ओके। 5 से अधिक रहेगा तो वो इंक्रीज हो जाएगा, राउंड फिगर कहते हैं, राउंड फिगर में कर दो इसे, ओके। अब इसके बाद हम काउंट की बात करते हैं। काउंट में दो फार्मूला हमें जानना है, काउंट और काउंट ए, काउंट ए। सबसे पहले हम काउंट की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू काउंट और ब्रैकेट में इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ देखो ये काउंट करके आपको दिखाया गया 72 सेल, तो क्या सही है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक केवल 72 सेल है? जी नहीं, इसकी सच्चाई यहाँ पे मालूम हो जाएगी। अभी देखिए इज इक्वल टू काउंट ए और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। यह देखो 100 सेल है, एग्जैक्टली ये 100 सेल है, यहाँ से लेके और यहाँ तक सभी सेल को अगर कैलकुलेट करोगे आप, ऐड करोगे तो 100 सेल आएगा। तो फिर ये 72 का मतलब क्या है? दैट मीन्स ये काउंट फार्मूला केवल नंबरिंग को कैलकुलेट करके आपको दिखाएगा, कैलकुलेट करेगा इसको, ठीक है। बाकी अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को कैलकुलेट करना काउंट ए फार्मूला होता है। तो आई होप आपको राउंड और काउंट के बारे में मालूम हो गया होगा, ओके। कुछ और फार्मूला इसमें मैं बताता हूँ आपको, मैक्सिमम एंड मिनिमम फार्मूला का यूज़ कैसे करेंगे हम, ओके। तो
अब ये समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ पे हम नीचे लिख दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे हम निकाल सकते हैं। एक हम दे रहे हैं मैक्सिमम और एक हम दे रहे हैं मिनिमम। तो पूरे टेबल में हम चाहते हैं मिनिमम जिसका है वो चीज़, वो नंबर हमें मिल जाए। तो इज इक्वल टू मिनिमम MIN ब्रैकेट में, और इस पूरे रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, अफकोर्स ये नंबरिंग ही रहेगा, तो इसको हम सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। ये सबसे कम वाला नंबर आपको दिख जाएगा यहाँ पे, राइट। ये 33 इज अ लोवेस्ट नंबर फ्रॉम द एंटायर टेबल, ओके। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओ सॉरी, ये नंबर एक्चुअली ये मिनिमम का फार्मूला मैक्सिमम मैंने लगा दिया। चलो इसको हम मिनिमम लिख दे रहे हैं और इसको हम मैक्सिमम लिख दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लगाते हैं मैक्सिमम का फार्मूला, तो इज इक्वल टू मैक्स और ब्रैकेट में आपको देना रहेगा यहाँ से लेकर, कभी भी कोई नंबर आपको मैक्सिमम सर्च करनी है या मिनिमम, तो ऐसे फार्मूला लगा के आपको सेलेक्ट करनी। देखो 500 मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पे, राइट। तो करना क्या होता है, आपको पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना होता है ऐसे, तो ये पूरा आपको दिखा देगा, ओके। तो ये मैक्सिमम एंड मिनिमम हो गया। ऐसे ही आप ये जो हमने लगाया यहाँ पे ये, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे, राउंड फार्मूला को, काउंट फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज़, एक्सेल में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला कैसे हम फाइंड करेंगे, जिसको हम हिंदी बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज एंड साधारण ब्याज। कोई भी पैसे इंटरेस्ट पे ले रहे हो तो उसको कैलकुलेशन हम उसकी कैसे हम एक्सेल में करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर ले रहा हूँ जूम साइज यहाँ से, ताकि आपको मोबाइल में देखने में प्रॉब्लम ना हो, ओके। और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा नेम, और नेम में जैसा कि आप जानते हैं मैंने कस्टम व्यू में ऐड कर रखा नेम, तो हम यहाँ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं, जस्ट एक नेम लिखेंगे और इसको हम ड्रैग कर देंगे, जितने नेम भी आपको चाहिए ऐसे ले लेंगे, ओके। और यहाँ पे हम दे रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट, PA लिख दे रहा हूँ, PA प्रिंसिपल अमाउंट, और इनका रेट लिख दे रहा हूँ मैं, इनका टाइम लिख दे रहा हूँ कितना ड्यूरेशन रहेगा, यहाँ पे SI हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है CI, ओके। तो ये फार्मूला हमें निकालनी है। तो चलो पेमेंट कुछ भी यहाँ ले लिया, 5000 ले लिया, यहाँ पे 10000 ले लिया, यहाँ पे 20000 ले लिया, ऐसे वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। 50000, 100000 ले लिया, राइट। ये अब हमें क्या करना है, रेट यहाँ पे मान लो ये 3% इंटरेस्ट है, तो ये टाइम डिपेंड करता कितना, एक महीने का ही हम मान रहे हैं अभी, ये 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, मंथली वाइज है 1%, 3%, 5%, 6%, 2%, डिपेंड करता कितना इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है इज इक्वल टू PTR बटे 100 होता है, मूलधन गुड़े दर गुड़े समय बटे 100, ऐसे करके हम लगाते हैं, राइट। तो पेमेंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो पेमेंट यहाँ पे क्या, इसका एड्रेस क्या रहेगा, बी नंबर में, तो B2, तो इज इक्वल टू B2 इंटू, सबसे बढ़िया अगर आपको एड्रेस में प्रॉब्लम होती है आप क्लिक कर दिया करिए, वह ऑटोमेटिक ले लिया करेगा, इंटू, और यहाँ ये डिवाइडेड बाई 100 कर दो, ये फार्मूला आ जाएगा आपको यहाँ पे देखो, और यहाँ से पकड़ के इनको ड्रैग कर दो, तो ऑटोमेटिकली सबका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, सबकी वैल्यू का अलग अलग, ओके। और यहाँ पे नया वैल्यू अगर हम देंगे तो उसका ऑटोमेटिक यहाँ आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मोना करके कोई नेम दे दिया, इसका मैं देखता हूँ कि 15,000 रुपीज़ का अगर, हाँ ये 3% पे इंटरेस्ट पे पैसे दे रही हैं, कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए, तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 2700 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा, ओके। तो ऐसे हम सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होती है। इसका फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू, और इसका फार्मूला होता है पेमेंट इंटू, पेमेंट मतलब यहाँ क्या है B2, तो B2 और इंटू ब्रैकेट में 1+ रेट, रेट बोले तो यहाँ पे है C2, और डिवाइडेड बाई 100, और ब्रैकेट को क्लोज कर देनी है हमें, और पावर के लिए यहाँ पे टॉगल साइन होता है,
और डी टू देना है यहाँ पे, और माइनस फिर से प्रिंसिपल अमाउंट मतलब बी टू, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूला को आप लोग लिख लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फार्मूला। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा अभी, इसको मैं हिट कर दे रहा हूँ पहले, ये देखो, और इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा जूम इन ऐसे कर दे रहा हूँ, और यहाँ से फार्मूला आप देख सकते हो, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा इसका फार्मूला है। इसको मैं कॉपी करके और ये देखो, ये फार्मूला इसका है। और सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम बात करें तो इसकी फार्मूला ये है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, दोनों फार्मूला आप लोग लिखेंगे जैसे, ओके। और यहाँ पे जो भी हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाली है, इसको आप ड्रैग करो तो सभी के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे एक महीने का देख सकते हैं आप, एक ही है, और जैसे मैं दो महीना डालूंगा टाइम तो दोनों में अंतर आ जाएगा दूसरा, क्योंकि उस यहाँ देखो चक्रवृद्धि ब्याज ये कितना हो गया, ये 300 रुपया है साधारण ब्याज, और ये कितना हो गया 304 रुपया हो गया। मतलब पहले महीने जो जितना बराबर लगा था वो दूसरे महीने वो मूलधन के साथ ऐड होके लगेगा, तीन महीना करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे इसका रेशियो बढ़ता जाएगा, देखो यहाँ 450, यहाँ 463 हो गया। चार महीना, छः महीना करो, देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे 900 या 970 रुपया हो गया, समझ में है ना। मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, जो भी हमारा ब्याज रहेगा ब्याज मूलधन में जुड़ता जाएगा, तो पूरा इंक्लूड करके बैंक जो आपको पैसे देती है वो चक्रवृद्धि ब्याज लगाती है, इंटरेस्ट भी उसमें ऐड करती है। अगर ईएमआई टाइम से ना दो तो ईएमआई भी उसका जो रहता है वो भी जुड़ जाता है उसमें, राइट। और बैंक जो पैसे आपका लेती है, मतलब पैसे आप डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, तो कभी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देती है, आपको साधारण ब्याज देती है, राइट। तो ये चीज़ होता है यहाँ पर। एक्सेल के अंदर हम पेरोल शीट कैसे बनाएंगे, जैसे गवर्नमेंट सैलरी रिपोर्ट आपको बनानी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिपोर्ट निकालनी है, या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिपोर्ट निकालनी है, जो भी एम्प्लॉय फैक्ट्री में कारखाना में काम करते हैं, तो उनकी सैलरी रिपोर्ट कैसे कंपनी तैयार करती है, क्या क्या उनको अलाउंसेस देती है, क्या क्या डिडक्ट करती है, ये सारा इसमें मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं गवर्नमेंट के लिए बताने जा रहा हूँ, गवर्नमेंट में एक सिंपल मैं सिनेरियो लूँगा, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, ठीक है, और सारे अलाउंसेस में कुछ अलाउंसेस को मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे ये अलाउंसेस क्या होते हैं इनके बारे में हम बताते हैं यहाँ पे। देखिए जूम, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर ले रहा हूँ ताकि आपको मोबाइल में देखने में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे हम देखेंगे नेम ऑफ द एम्प्लॉय, तो नेम ऑफ द एम्प्लॉय हमने लिख दिया NOE, और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह अगर देना है तो कुछ यहाँ से दे सकते हैं, एम्प्लॉय ID यहाँ पे है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय इनकी एम्प्लॉय ID हो जाएगी, ये ID हो गई। और यहाँ से हमें देना है क्या, जो भी बेसिक सैलरी इनकी है, बेसिक पे हो गई, और यहाँ पे दे दिया जो भी अलाउंसेस है। इसके बाद HRA लगता है, हाउस रेंट अलाउंसेस है, CCA सिटी कन्वीनियंस अलाउंसेस हम नहीं दे रहे हैं, DA दे रहे हैं, डेयरनेस अलाउंसेस जो मेन है, महंगाई भत्ता जिसे बोलते हैं, ये घर में रेंट पे रहते हैं उसके लिए है। और इसके बाद ESI होता है, और प्रोविडेंट फंड होता है, ESI एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है। इसके बाद ग्रॉस सैलरी, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारा नहीं दे रहे हैं, बस सिंपल एक टास्क हम दे रहे हैं यहाँ पे, राइट। और इसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं क्या, नेट सैलरी इनको कितनी मिल रही है, ओके। बस हम चार अलाउंसेस लगा रहे हैं यहाँ पे, और इनका नेट सैलरी निकालने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देखो नेम हमने दे रखा ऑलरेडी अमित, तो जस्ट हम इसको ट्रैक करेंगे, अदर नेम्स आ जाएंगे यहाँ पे, लिस्ट हो जाएंगे, ये रहा। और यहाँ पे एम्प्लॉय ID सपोज करो इनका है 101, तो ये इसके बाद 102, जो भी कंपनी रहती है उसके एम्प्लॉय ID ऐसे बन जाती है। इसको आप ट्रैक करके रेडी कर लो, ये ऐसे नंबरिंग में आते रहेंगे, राइट। और यहाँ पे बेसिक सैलरी सपोज करो इनका बेसिक सैलरी 12,500 है, और इनकी बेसिक सैलरी 8,500 है, ऐसे ऐसे सबका बेसिक सैलरी आप निकाल लीजिए। बेसिक सैलरी बहुत कम होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में,
उनको क्या बहुत सारे अलाउंसेस मिलता है, इसलिए उनकी सैलरी ज़्यादा दिखती है आपको। बट अगर बेसिक सैलरी पूछोगे आप किसी एम्प्लॉय से, आपके घर में कोई एम्प्लॉय है तो उनसे पूछिए, उनकी बेसिक सैलरी बहुत कम रहती है। और वही जब सातवां वेतन वेतन चयन जो होता है वो लगता है, तो क्या कहते हैं उनका वेतन मान चेंज हो गया है ना, पे स्केल चेंज हो जाता, तो वही इंक्रीमेंट और ज़्यादा हो जाती है। ओके चलिए, यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंसेस जो भी रहता है ये बेसिक सैलरी का ही कुछ परसेंट रहता है, कि कितना बेसिक सैलरी उस पर कितना हमें हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा, कितना डेयरनेस अलाउंसेस मिलेगा और कितना डिडक्ट होगा, क्योंकि ये डिडक्ट होता है। ओके तो यहाँ पे हम दे दे रहे हैं, यहाँ पे ये जो हमारा बेसिक पे है C3, तो इज इक्वल टू C2 है C2, और इसका हम दे दे रहे हैं 20% HRA, सो डिवाइडेड बाई 120% निकल जाएगा। और यहाँ से इनको आप कर दो ड्रैग, तो ये सबकी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे हम दे देते हैं डेयरनेस अलाउंसेस, तो इज इक्वल टू C2 इंटू, और डेयरनेस अलाउंसेस बहुत ज़्यादा रहता है, इनफैक्ट अभी अगर देखेंगे तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, 117%, तो 100 गायब हो गए क्योंकि सातवां वेतन लगा, तो 17-18% कुछ है। ठीक है, तो 17% अगर हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, देखो ये अगर पूरा, क्योंकि वेतन वो नहीं है तो हम पूरा यहाँ पे लगाएंगे उनको, 117 लगा रहे हैं क्योंकि ग्रेड पे इसमें मैंने नहीं दिखाया है, तो जस्ट हमने दे दिया ये। देखो ये बेसिक सैलरी जो है उससे ज़्यादा तो यही हो जाता है इनका। ओके डेयरनेस अलाउंसेस, स्टेट इंश्योरेंस क्या होता है, ये डिडक्ट होता है हर महीने ये मेडिकल के लिए, तो इसका 10% हम निकाल ले रहे हैं इसको। इसका अगर इलाज नहीं करवाओगे तो कोई बेनिफिट भी नहीं होता, मिलता भी नहीं है। बट प्रोविडेंट फंड जो है ये आपको सूद ब्याज के साथ मिल जाता है, जितना PF आपके अमाउंट अकाउंट में से कटता है सैलरी में से, उतना ही गवर्नमेंट उसमें डालती है, उसके बाद सभी का मिला के उस पर इंटरेस्ट लगता है, ये सभी जोड़ जाड़ के आपको जब रिटायर होते हैं तो आपको मिलता है पेंशन के रूप में, और कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाता है उसी समय रिटायरमेंट, ड्यूरिंग द रिटायरमेंट। ओके तो फंड जिसे हम बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम प्रोविडेंट फंड को भी हम 10% दे रहे हैं, फिक्स रहता है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, इनफैक्ट प्राइवेट में भी अच्छी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी PF आपके अकाउंट में से कटता है, तो उतना ही गवर्नमेंट भी डालती है। नेट सैलरी यहाँ पे कैसे निकालोगे, क्या क्या इसमें ऐड होगा, क्या क्या माइनस होगा, तो इज इक्वल टू बेसिक सैलरी यहाँ पे जुड़ेगी, प्लस HRA जुड़ेगा, प्लस DA जुड़ेगा, और घटेगा क्या, माइनस ESI और माइनस प्रोविडेंट फंड, ये घट जाएगा। तो ये हमारा नेट सैलरी यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा, देखो ऐसे नेट सैलरी हम निकालते हैं, राइट। तो यहाँ से अगर ने यहाँ से जैसे ड्रैग कर रखें, आप यहाँ तक ड्रैग कर लिया, इसका बेनिफिट क्या होता है, ये देखो यहाँ तक हमने ड्रैग कर लिया है, हर चीज़ यहाँ तक ड्रैग कर लो, तो इसे जो नेक्स्ट एंट्री जो रहती है हम पूरा ड्रैग करके रख देते हैं इसको, तो जो भी एंट्री आप करते हो वो उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई दे देता है। जैसे यहाँ पे हमने दिया कोई नाम दे दिया होम, और इसका जो है एम्प्लॉय ID 107 है, तो इनका सैलरी हमने दे दिया 13,000 रुपये, तो इनका ऑटोमेटिक सारा आ जाएगा। ओके तो ये हमारा पेरोल शीट बनाना गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अब हम बात करते हैं प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिपोर्ट, जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं उनको, तो हम नेम इसी को रहने देते हैं, इसी को हम नेम रहने देंगे, और इसमें कुछ और कॉलम को हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लो बेसिक्स पहले से रहेगा, HRA रहेगा, DA रहेगा, ESI, PF रहेगा ही रहेगा, और इनको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से नेट सैलरी, क्योंकि और कुछ हमें निकालना पड़ेगा, और इनको हम क्या करेंगे मूव कर ले जाएंगे यहाँ से आगे की तरफ, क्योंकि इसके पहले कुछ और अलाउंसेस हमें ऐड करनी है। जैसे कि यहाँ पे हम दे देंगे जो एम्प्लॉय रहते हैं उनका OT डेली वेजेज की पहले निकाल लो यहाँ पे, तो बेटर रहेगा, डेली वेजेज एक दिन की सैलरी उनकी, और इसके बाद OTH कितने घंटे उन्होंने ओवर टाइम किया हुआ महीने में, OT रेट निकाल लो, एक घंटे का रेट उसका क्या रहेगा, OTA मतलब ओवर टाइम अमाउंट क्या रहेगा, इनका ओवर टाइम अमाउंट क्या बनेगा, और यहाँ पे हम अब्सेंट कर दे रहे हैं, अब्सेंट करोगे तो कटेगा सैलरी,
और यहाँ पे डिडक्शन आप सैलरी कर देंगे। बस इतनी चीज़ें हमें निकाल के यहाँ पे हमें निकालनी है नेट सैलरी इनकी। ओके, तो इसमें क्या क्या रहेगा, क्या क्या एक्स्ट्रा हमने कर रखा है, देखिए डेली वेजेज निकालना है, एक दिन की सैलरी, आपकी बेसिक सैलरी अगर इतनी है तो एक दिन की सैलरी कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू जो भी बेसिक सैलरी उससे आपको महीने का जो भी दिन पड़ता है, 28 का महीना है 28 से, 30 का है 38 से, 30 से उसे डिवाइड कर देना है, राइट। तो सपोज करो हम 30 का मंथ है और 30 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये मार्च 31 है तो 30 हम फर्स्ट दे दे रहे हैं यहाँ पे, तो एक दिन की सैलरी हमारी इतनी हो जाएगी। और इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे यहाँ पर OTH ओवरटाइम आवर्स, अपने कितने घंटे, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है आपकी कंपनी के अंदर, आपने उसके अलावा कितने घंटे डेली किए हुए हैं, तो महीने में मान लो दो डेली दो दो घंटे किए तो आपका महीने का कितना 60 घंटे हो जाएगा, और किसी ने मान लो 40 घंटे 45 घंटे, कोई ज़्यादा किया है कोई बिल्कुल नहीं किया है, राइट। तो डिपेंड करता कौन ओवर टाइम लगा रहा, कितना ऐसे लगा दिया मंथली, ओके। और ओवर टाइम का रेट कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू एक दिन की सैलरी जो भी आपकी है और डिवाइडेड बाई 8 कर दो, क्योंकि एक घंटे में, एक दिन में कितने घंटे आप काम करते हो, 8 आवर्स काम करते हो, बट कुछ कंपनी क्या करती है इसका डबल देती, तो इंटू 2 कर दो, बट सभी नहीं करती तो हम नहीं कर रहे, तो एक घंटे की सैलरी आपकी कितनी हो गई, अकॉर्डिंग टू योर सैलरी 50 रुपीज़, इनकी सैलरी एक घंटे कितनी, सबकी अपनी एक एक घंटे की अमाउंट आ गई। ओवर टाइम अमाउंट निकालने के लिए क्या करनी है आपको, यहाँ पर ये ओवर टाइम रेट हो गया और कितने दिन आपने ओवर टाइम किया हुआ है, तो इतने इतना और मल्टीप्लाई स्टार से करके और ये कर दो, ये हमारी ओवर टाइम अमाउंट हो गया, ओवर टाइम अमाउंट एक्स्ट्रा। और यहाँ पे अब्सेंट मान लो ये 5 दिन अब्सेंट हो गए हैं, ये कोई अब्सेंट नहीं है, ये 6 दिन 7 दिन 2 दिन दिन 2 दिन ये महीने में इनका अब्सेंट है, अब्सेंट जो रहेगा वो डिडक्ट हो जाएगा आपकी सैलरी में से, ये ध्यान रहे प्राइवेट में, ठीक है। और डिडक्शन ऑफ सैलरी, DOS मतलब डिडक्शन ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दिन की सैलरी हमारी कितनी है, डेली वेजेज एक दिन की सैलरी ये है, और कितने दिन आपने अब्सेंट रहा, तो दोनों में मल्टीप्लाई करो तो डिडक्शन ऑफ सैलरी निकल जाएगी, तो इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, एक दिन की सैलरी और इनटू मतलब मल्टीप्लाई और क्या कर देंगे नंबर ऑफ अब्सेंट यहाँ पे दे देंगे, तो ये डिडक्ट हो जाएगा आपकी सैलरी में से, यहाँ देखो ऐसे आ गया, राइट। और अब हम नेट सैलरी निकालते हैं, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या क्या जुड़ेगा, तो सबसे पहले जुड़ेगा बेसिक सैलरी, तो मतलब C2 और प्लस HRA प्लस DA और क्या जुड़ेगा, अब डेली वेजेज तो जुड़ेगा नहीं, OTH जुड़ेगा नहीं, ओवरटाइम रेट जुड़ेगा नहीं, ओवरटाइम अमाउंट जुड़ जाएगा, राइट। और माइनस कर लो क्या, डिडक्शन ऑफ सैलरी जो कट जाएगा अब्सेंट थे आप, और PF और ESI, ये तीनों हमारा डिडक्ट हो जाएगा, तो ये नेट सैलरी हो गई यहाँ पे देखो। तो ओवर टाइम जो प्राइवेट फैक्ट्री में, इसमें फ़ायदा क्या है, ओवर टाइम का अलग पैसा मिलता है, बट नुकसान क्या है कि आप अगर अब्सेंट करते हो तो पैसे डिडक्ट हो जाता है, तो ये हमारे प्राइवेट में ऐसे सैलरी देते हैं वो लोग, ठीक है, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं लोग, डेली बेसिस काम करते हैं, उनको ऐसे सैलरी कंपनी देती है। एक्सेल में पेज की सेटिंग हम कैसे करते हैं इसको मैं बताता हूँ। देखिए एक टेबल है यहाँ पर हमने लिया हुआ है और इसमें पेज की सेटिंग करनी है हमें, तो पेज की सेटिंग करने के लिए हमें जाना रहेगा पेज लेआउट में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है मार्जिन और ओरिएंटेशन एंड पेपर की साइज़। सबसे पहले हम पेपर की साइज ले लेते हैं यहाँ से, और पेपर की साइज जो होती है A4 साइज नॉर्मली हमें लेना है, तो A4 साइज ले लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पेज हमारा यहाँ तक है, तो अगर ये ग्रेड छूट जाएगा हमारा पेज पे नहीं आएगा, प्रिंट अगर हम करेंगे तो ये पेज पे नहीं आएगा, तो प्रिंट प्रीव्यू करके आप देखो यह पेज पे नहीं आएगा, वो हमारे पेज से हट जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे पेज के अंडर में ही ये आ जाए, राइट। तो इसके पहले क्या है मार्जिन, यहाँ देखो मार्जिन में क्या है, यहाँ पे नॉर्मल साइज है,
वाइड साइज है और ये नैरो साइज है। नॉर्मली जो हमें प्रिंट करना होता है नैरो साइज में करना चाहिए, क्योंकि ये 0.5 इंच देता है और ये नॉर्मल में 1 इंच होता है। तो यहाँ से जो होता है, अगर हमने यहाँ पे मार्जिन में जाकर और नैरो साइज कर देनी है, तो इससे आपका पेज जो होता है मार्जिन जो होता है चारों साइड से, लेफ्ट हो राइट हो या टॉप हो या बॉटम हो, चारों साइड से 0.5 इंच केवल छोड़ेगा। देखो अभी पेज आपका मुझे लगता है आ गया होगा, प्रिंट प्रीव्यू करके देख लो। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए ग्रेड भी आ गया है, राइट। तो ऐसे हम पेज की सेटिंग करते हैं। क्या क्या है मार्जिन, मार्जिन में नैरो हमें लेना होता है। अगर कस्टम करना, जैसे मान लो आपको टॉप से छोड़ना है चाहे बॉटम से, कोई भी स्पेसिफिक टॉप से हमें छोड़ना है मान लो, तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और यहाँ कुछ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने यहाँ से छोड़ दिया है टॉप से, राइट। तो ऐसे हम पेज की सेटिंग करते हैं। और दूसरा होता है यहाँ पे ओरिएंटेशन, अगर पेज को आपको विड्थ में लेना है तो आप यहाँ से पोर्ट्रेट लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होता है लैंडस्केप करेंगे तो ये आपका पेज वाइडली हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये विड्थ इसकी ज़्यादा हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी, ऐसे पेज आपका आ जाएगा, राइट। ऐसे इस तरह से आ जाएगा। ये जूम साइज थोड़ा सा कम करेंगे तो आपको दिखेगा ये, ओके। देखो तो ये हमारा पेज सेटअप है। इसके बाद यहाँ प्रिंट एरिया, अगर आपको प्रिंट करना है स्पेसिफिक कोई एरिया प्रिंट करनी है तो आपको क्या करनी है, मान लो इतना ही हमें केवल प्रिंट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करो और प्रिंट एरिया सेट प्रिंट एरिया कर दीजिए। और आप प्रिंट करेंगे तो केवल उतना ही प्रिंट होगा जितना कि आपने सेट कर रखा है, देखो वही केवल प्रिंट होगा, बाकी सभी मैटर छूट जाएंगे। तो प्रिंट एरिया में जाके और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया आप कर दीजिए तो फिर से पहले जैसे हो जाएगा। ब्रेक यहाँ करना है, पेज को ब्रेक कर सकते हैं यहाँ से, कहीं से जहाँ से भी आप कर्सर रखें यहाँ से पेज को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये देखो इंसर्ट पेज ब्रेक, ये ब्रेक हो गया अलग अलग पार्ट में, ये ब्रेक हो गया है देखो यहाँ से अलग अलग देखिए, राइट। तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रिमूव पेज ब्रेक हटा देंगे हम, राइट। बैकग्राउंड देना है, यहाँ पे कोई बैकग्राउंड आप ले सकते हैं, वैसे एक्सेल में इसकी ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। प्रिंट की टाइटल देनी है और बाकी ये सब ऑप्शन बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस यहाँ पे तीन ऑप्शन के लिए हमें हमेशा ज़रूरत होती है ना, एक मार्जिन, ओरिएंटेशन और पेपर की साइज, ये और प्रिंट एरिया, और कभी कभी ब्रेक हमें करनी पड़ती है, राइट। तो आई होप आपको ये पेज सेटअप का ऑप्शन क्लियर हो गया है। एक चीज़ और मैं बता दूं, कभी कभी हमें पेज सेटअप के साथ में हमें हेडर फुटर देना होता है। हेडर फुटर के लिए आपको इंसर्ट में जानी है और यहाँ से हेडर और फुटर डाल सकते हैं। हेडर मान लो डाल दिया और यहाँ से इंसर्ट पेज, और भी कुछ इंसर्ट करनी है तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। और इसको आप क्या करो, फिर नॉर्मल इसको हमें लेनी है तो व्यू में जाकर और इसको नॉर्मल पेज हम ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ये नॉर्मल पेज। तो नॉर्मल पेज लेने के बाद ये दिखता नहीं हमें, ठीक है, ये दिखेगा नहीं हमें कि यहाँ पे कोई हेडर फुटर पड़ा हुआ है, बट अगर आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आपको हेडर फुटर दिखेगा। अगर हेडर फुटर देखिए यहाँ पे दिखेगा, राइट। वन वन दिया, दो बार हमने पेज लिया था तो इसलिए वन वन करके दो बार दिया है, ओके। तो हेडर फुटर ऐसे ले सकते हैं। फुटर ऐसे ही अगर लेना है आपको तो क्या करनी है, इंसर्ट में जाना है और हेडर एंड फुटर में जाओ, और हमें क्या करना है, फुटर लेना है तो फुटर में चले जाइए और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं चाहे ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए यहाँ से, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा, राइट। यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ से देखो क्रेडेंशियल, उसमें अगर लिखना है तो आप यहाँ से लिखना है,
पेज नंबर और क्या क्या है यहाँ। ये एक्चुअली ये हमने ले लिया था, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना है, क्या करना है, यहाँ से आप ले लो, इसको लिख लो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारा है और इसको हम कर लेते हैं नॉर्मल यहाँ से, राइट। अब यहाँ दिखेगा नहीं हमें, बट अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें दिखेगा वहाँ पे। देखो ऊपर पेज नंबर है और नीचे ये आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं, ओके। और इसमें हम हेडर फुटर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, सम सीरीज फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिस्ट है और इसको एक एक करके हम सभी फार्मूला को देखेंगे कि किस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला है सम, सम इफ, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, सम एस क्यू, सम एक्स टू एम वाई टू एंड सम एक्स टू पी वाई टू एंड सम एक्स एम वाई टू। एक्चुअली इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो वो है सम इफ, सम इफ्स एंड सम प्रोडक्ट, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी के फार्मूला ये बहुत रेयर में यूज़ होता है, लेकिन हम तो इसमें इस सीरीज में सारा सम का मैंने ये लिया है सीरीज, तो इस सीरीज में पूरा एक एक करके मैंने यहाँ पे एक एक शीट पे मैंने बना लिया है, तो आपको एक एक करके मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ सारा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम सम की बात कर लेते हैं, सम फार्मूला। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, सम फार्मूला ये एग्जांपल है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा सम को कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। सम के कई सारे टेक्निक होते हैं, कई सारे फार्मूलाज होते हैं, कैसे हम अप्लाई करेंगे। नॉर्मली आप जानते हैं कि इज इक्वल टू सम और ये सभी हम रो को हम वो कर लेंगे, राइट। मैं बता रहा हूँ सबसे पहले हमें क्या करना है। इसमें एक फार्मूला होता है, आप पूरे को सेलेक्ट कर लो और एक एक्स्ट्रा कॉलम को ले लीजिए आप यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा सेल को यहाँ पे, और यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कर दो और यहाँ से सम का फार्मूला आपको मिल जाता है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो इनको कैल्क साइन से, राइट। एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे इक्वल टू लिखना है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी फार्मूला एक्सेल में इक्वल टू साइन मैंडेटरी होता है, तो यहाँ पे इक्वल साइन लिखना है और यहाँ पे लिखना है सम और ब्रैकेट लेना है यहाँ पे, ओपन ब्रैकेट, और यहाँ से आप नंबर दे सकते हैं, इनका एड्रेस देना है। एड्रेस क्यों देते हैं, अगर हम यहाँ पे दे देते 34 23 प्लस प्लस ये सभी दे देते हैं तो क्या होता है, ये पर्टिकुलर इसी रो के लिए रहेगा और नेक्स्ट में फिर से आपको देना पड़ेगा फार्मूला। इसलिए हम क्या करते हैं, एड्रेस को डिफाइन करते हैं यहाँ पे। एड्रेस यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, इस एड्रेस को देख लो आप, C2, और यहाँ पे दे सकते हैं हम। तो कभी भी एडिशन लेनी है तो C2 और कॉलन देके एंड वाला नंबर आप ले रहे हो, एंड में क्या है जी नंबर पे, तो ये क्या रहेगा G6 C6 एंड G6, और इसको एंटर प्रेस करो तो ये यहाँ पे इसका एडिशन आ जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है इस फार्मूला में है क्या, फर्स्ट नंबर और एंड नंबर दे दिया हमने तो ये आ जाता है, लेकिन क्या है बीच में कोई नंबर अगर स्किप करनी है हमें, मान लो हमें यहाँ पे ये जो फरवरी का है, फरवरी का नंबर हमें नहीं ऐड करना है, तो इस केस में ये फार्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है, कोई गैपिंग हम नहीं कर सकते इसके अंदर। तो इसलिए वहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, आपको ऐसे लिखना रहेगा इंडिविजुअल यहाँ पे C6 प्लस D6 प्लस जो भी नंबर स्किप करना उसको छोड़ दो एंड प्लस EF6 एंड G6, लाइक दैट ऐसे आप कर सकते हो, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब C6 प्लस G6 प्लस D6 प्लस F, मतलब ऐसे कंटिन्यू आप लिख सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ज़्यादातर हम एडिशन जो होता है स्किप नहीं करते, डायरेक्ट लेते हैं, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे नंबर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सम लिख के ब्रेकेट करें और डायरेक्ट यहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ तक ट्रैक कर दो, तो वो फार्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, देख लिए C6 और कॉलन G6। मैनुअली लिखना तो मैनुअली आप लिख सकते हैं और एंटर प्रेस करो तो ये एडिशन आ जाता है। और इसके बाद इसको अगर ये सारे के एडिशन लेने हैं
हमें, तो यहाँ पे काल्क साइन जो होती है इसे हम ड्रैग कर देंगे तो ये सारे एडिशन ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये गाइस ये रहा हमारा सम फार्मूला। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे देख लीजिए दूसरा फार्मूला है यहाँ पे, इसको हम क्या कर रहे हैं हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए क्या क्या फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक, राइट। तो इसको हम क्या कर रहे हैं हाईलाइट कर दे रहे हैं यहाँ से, तो ये हो हम लोग कर चुके हैं। और अब चलते हैं हम सम इफ़ के सम इफ़ फार्मूला पे। सम इफ़ फार्मूला के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक वर्कशीट लिया है और यहाँ पे सम इफ़ फार्मूला मैंने लिखा। चलो सम इफ़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप, यहाँ पे है नेम और कुछ लोगों का नाम है यहाँ पर, और सेल जो है जनवरी में किसी का सेल है, फरवरी में सेल है, मार्च में सेल है, अप्रैल में, मई में सेल है। यहाँ पे जनवरी से लेकर और मई तक का टोटल सेल यहाँ पर है, टोटल सेल ये निकला है सबका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपका बॉस आएगा और आपसे बोलेगा कि राज का टोटल सेल हमें बताओ, राज का मतलब जनवरी फरवरी मार्च मई अप्रैल सभी को मिला के राज का टोटल सेल कितना है ना। तो वो चीज़ हम कैसे निकालेंगे, राज मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट वाइज है, कोई और किसी और दिन में सेल किया है, एक एक दिन का है मान लीजिए, है ना, तो किसी और दिन का सेल है तो कैसे हम निकालेंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं नेम हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेंगे टोटल नेम और यहाँ पे ले लेते हैं टोटल। तो हम यहाँ पे फार्मूला दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू सम इफ और ब्रैकेट ले लेंगे ओपन ब्रैकेट और यहाँ पर हम क्या करेंगे ये दे देंगे यहाँ से क्या टोटल, ये नेम यहाँ पे हमें दे देना है क्या नेम दे दें, रेंज क्या हमारा, तो ये है हमारा नेम रेंज है और कॉमा दे दिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, क्या चीज़ सर्च करना रहेगा, हमारे पास कंडीशन क्या है, है ना, तो ये हम दे देंगे यहाँ पे। अगर नाम लिखना कोई नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो डायरेक्ट आप इसको क्या करो सेलेक्ट कर दो यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक कोई भी नाम लिखेंगे तो वो चीज़ ले लेगा। और कॉमा और क्या क्या चाहिए हमें, टोटल चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल को हम दे देंगे और यहाँ पे प्रेस कर देंगे एंटर। अब कोई भी नाम अगर हम लिखेंगे, जैसे मान लो राज है यहाँ पे, राज अगर हम लिखेंगे तो राज का स्पेलिंग गलत हुआ है, ये देखिए राज का टोटल सेल यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं राज ने यहाँ पे एक नंबर पे सेल किया है और 6 नंबर पे सेल किया है, 8 नंबर पे सेल किया है इतना, और सभी को जोड़ने के बाद इतना आ जा रहा है। हम इसको हटा दे रहे हैं, राज की जगह पे मैं नीतू लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो ये सेल घट जाएगा ऑटोमेटिक, एक ही राज है, इस राज को भी मैं हटा दे रहा हूँ, ओम कर दे रहा हूँ, तो अब देखिए क्या हो गया, एक ही राज यहाँ पे राज का सेल ये है। तो मतलब राज अलग अलग टाइम में अगर हर महीने में सेल किया हुआ है तो सारा टोटल आ जाएगा। किसी और का निकालना है तो इसको क्या करना है हमें, इसको हमें क्या करना है यहाँ से ड्रैग कर देना है, यहाँ से ड्रैग कर देना है और यहाँ पे अब दूसरा नाम कोई लिख देते हैं हम, अमित का सेल देखना है हमें अमित का, तो देखो अमित का सेल आ जाएगा, अमित ने एक ही दिन है इसका 220 तो वो आ गया। चलो हम दूसरे किसी को अमित बना देते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक फ्लैक्चुएट हो जाएगा ये नंबर, यहाँ देख सकते हैं ये फ्लैक्चुएट हो गया, राइट। तो ऐसे कोई भी टोटल आप निकाल सकते हैं कंडीशन के, उसमें सब में क्या है कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट आपको ऐड करना रहता है, यहाँ पे आप कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सम फार्मूला सम इफ फार्मूला है। और अब हम बात करते हैं इसको भी हम सम इफ फार्मूला, इसको भी हम क्या करते हैं हाईलाइट कर ले रहे हैं इसी कलर से, तो फॉर्मेट पेंटर लेकर और इसको हम हाईलाइट कर देंगे। और अब हम बात करते हैं दूसरे फार्मूला को, नेक्स्ट फार्मूला हमारा सम इफ्स है, इफ के आगे यस जुड़ जाएगा सम इफ्स हो जाएगा, इसमें डबल कंडीशन हम दे सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं सम इफ्स फार्मूला के लिए, और इसके लिए भी मैंने टेबल बना रखा है यहाँ पे, और इसके बारे में हम बात करते हैं सम इफ्स फार्मूला, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें, अगर आप कंपनी में जॉब करें एज अ सेल्स मार्केट
डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग है या मैनेजर है या कुछ भी एचआर है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास है। यहाँ पे कंपनी है और उसका प्रोडक्ट है और यहाँ पे सेल अलग अलग है, टोटल सेल इनका यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल सेल इनका निकाल लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग सम फार्मूला पढ़ चुके हैं इस टोटल निकालने के लिए सभी का, तो इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इस नंबर को, सभी नंबर को, संडे मंडे ट्यूसडे सभी को हम क्या करेंगे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर लेंगे, ये टोटल आ जाएगा। और यहाँ से हम कॉल्क साइन से ड्रैग कर देंगे तो ये सभी का निकल जाएगा, राइट। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सबसे पहले हमें निकालना क्या है, कंपनी निकालनी है इसकी। तो यहाँ पे ले लो कंपनी, और उसके बाद यहाँ पे हमें निकालनी है, हमें देखना है प्रोडक्शन, इनका प्रोडक्शन है और ये है टोटल, राइट। ये हमें निकालना, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे कर दे रहे हैं तो ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से इनको इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, ये देख, राइट। और इसको भी हम कर दे रहे हैं, यस। तो अब हम बात करते हैं टोटल की, यहाँ पे टोटल हम निकालना है हमें। तो अब कह रहा है आपका बॉस आया और आप कंप्यूटर चला रहे हो और वो बोल रहा है कि हमें बताओ कि एलजी के कई सारे प्रोडक्ट है हमारे पास, राइट। उस शोरूम में बहुत सारे प्रोडक्ट है, एलजी का वॉशिंग मशीन है, एलजी का कूलर है और एलजी का टेलीविज़न है, एलजी का मॉनिटर है, राइट। तो वो पूछ रहा है आपसे एलजी के टेलीविज़न का सेल हमें बता दीजिए। अब मान लीजिए एलजी यहाँ अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे सेल है, वो पूछ रहे हैं आपसे एलजी के टेलीविज़न का सेल बता दीजिए। मान लीजिए टेलीविज़न का कई ज़्यादा सेल है, कई जगह पे अलग अलग सेल है, एलजी देखिए यहाँ पे भी है, एलजी का टेलीविज़न है, यहाँ पे एलजी का मॉनिटर है, यहाँ पे एलजी, फिर मान लो एलजी का टेलीविज़न अगर सेल हुआ है तो, राइट। तो अलग अलग टाइम में मान लो सेल हुआ है संडे को, मंडे को, है ना। तो ये पूरा टोटल ये पूछ रहे हैं इनसे, इससे मतलब नहीं, टोटल सेल कितना है, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम, इफ्स लगाएंगे यहाँ पर, और ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में सबसे पहले हमें देना रहेगा यहाँ पर ये टोटल। सबसे पहले हम टोटल दे देते हैं यहाँ पर, और इसके बाद कॉमा, और ये देना हमें कंपनी, कंपनी को हम दे देते हैं, ये क्राइटेरिया हो गई हमारी। यहाँ पे देगा आप देख लो, यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे क्या क्या है, सम है और क्राइटेरिया रहेगा, रेंज रहेगा, सभी यहाँ पे दिया रहेगा, क्राइटेरिया वन कॉमा, सभी ऐसे करके दिया रहेगा। तो हमने क्या सिलेक्ट किया, अभी इसको सिलेक्ट किया और क्राइटेरिया सिलेक्ट किया, और इसके बाद फिर से मैं लगा दूंगा कॉमा यहाँ पर, और इसके बाद क्या करूँगा मैं, ये क्राइटेरिया जो है इसमें कौन सा है, राइट, कंडीशन, उस कंडीशन को हम यहाँ दे देंगे। तो हम या तो यहाँ पे एलजी लिखें तो पर्टिकुलर एलजी के लिए रहेगा, इससे बढ़िया हम यहाँ पे क्या कर देना है, इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे जो भी नाम इसमें से लिखेंगे वो यहाँ पे ले लेगा वो, राइट। और कॉमा कर लो, और फिर से हम इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, इस क्राइटेरिया को, प्रोडक्शन वाले क्राइटेरिया को सेलेक्ट करेंगे और कॉमा दे देंगे, और फिर से यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे आप देखो, मैं जैसे ही लिखूँगा एलजी और एलजी का टेलीविज़न, टीवी मैं लिखूँगा, तो एलजी का टेलीविज़न का कितना सेल है वो आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे एलजी के टेलीविज़न का 24 सेल है, वो चीज़ यहाँ पे आ गया। मान लो एलजी का टेलीविज़न का दूसरा भी सेल है कोई, तो एलजी का टेलीविज़न का सेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो एक दिन क्या है, एलजी का सेल है कितना, कितने कितने तारीख को देख लीजिए, ये तारीख दिखाएगा, और ये जो है यहाँ से एलजी का टेलीविज़न यहाँ पे 24 था और यहाँ पे एलजी का टेलीविज़न कितना 43, दोनों को ऐड करके इसका एडिशन दे दिया, और किसी दिन है तो ऑटोमेटिक फ्लैक्चुएशन हो जाएगा यहाँ पे एलजी का और टेलीविज़न। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो, तो इसको भी ऐड करके दिखा देगा, राइट।
और एलजी के मॉनिटर को नहीं लेगा। मान लो अब यहाँ पे एलजी का एक मॉनिटर है, अब ये कम कर दिया है, राइट। तो इसी प्रकार आप कोई इसको क्या करो, ड्रैग कर दो, यहाँ से ड्रैग कर लिया। और यहाँ से अभी देखना आपको कि चलो भाई हम लावा का देख लेते हैं, ठीक है। तो लावा का क्या देखना है आपको, लावा का मोबाइल का सेल, लावा का मोबाइल का सेल आपको मिल जाएगा 31। आप देख सकते हैं लावा का मोबाइल है 31 है, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार देख लीजिए इसको। सो सम इफ्स के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला, और इसको भी हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर दे रहे हैं यहाँ से। तो फॉर्मेट पैंटर से सम इफ को भी हाईलाइट कर दिया मैंने। और अब बात करते हैं सम प्रोडक्ट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे यहाँ पे आके। चलो सम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, इसके लिए भी मैंने टेबल बना रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। और सम प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ पे होता है, आप कहीं पे जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो कुछ खाने के लिए, जैसे स्नैक्स मैंने यहाँ पे ले लिया है, बर्गर ले लिया है ना, चीज़ ले लिया है, और अलग अलग चीज़ें यहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लिया है, बहुत सारी चीज़ें खाया। और इसकी इसका रेट ये है, और इसके क्वांटिटी आपने कितना लिया है ना। बर्गर अगर 30 रुपीज़ का ये रेट है, और आपने कितने खाए यहाँ पे वो दिया है ना, 2 नंबर क्वांटिटी है, 3 नंबर, 5 नंबर कितना है। और अब हमें क्या करना रहता है, अगर टोटल उसको बिल बनाना रहेगा है ना, होटल वाले को बिल बनाना रहेगा, तो क्या करेगा, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर, राइट, एक एक आइटम को। तो इज इक्वल टू क्या करेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू करेगा ये नंबर और मल्टीप्लाई, स्टार का साइन होता है मल्टीप्लाई, और ये नंबर, और क्या करेगा, एंटर कर देगा ये इसका, देखो। और उसके बाद क्या करेगा, वो इसको ड्रैग करेगा, तो ये सबका अलग अलग नंबर लिख गया, मतलब सारे क्वांटिटी के साथ। जैसे मान लो मोमो 3 प्लेट का मतलब टोटल ये हो गया, इसका टोटल ये हो गया सभी का। और अब ग्रैंड टोटल निकालेगा बेचारा यहाँ से, क्या करेगा, इसको पूरे को सेलेक्ट करके फिर से लिखेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट में, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक सेलेक्ट करेगा, और ऐसे करेगा, तब बोलेगा ओ आपका बिल हो गया भाई 982। तो इतना लंबा चौड़ा करने के बजाय अगर हम इसको डायरेक्ट कर लें एक सिंपल फार्मूला में तो कैसा रहेगा। तो इसी को देखते हुए सम प्रोडक्ट फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर कहीं ऐसा सिचुएशन मिलता है, आप सम प्रोडक्ट से इसको क्विकली फाइंड कर सकते हैं, ये सब करने की तामझाम ज़रूरत नहीं रहेगा, राइट। तो उसके लिए क्या करना, आप याद रखना नंबर ये क्या है, 982, राइट। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, चलो ठीक है, इज इक्वल टू करना क्या रहेगा, सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट लिखोगे आ जाएगा ये, सॉरी, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, और ब्रैकेट में आपको देना रहेगा ए रेंज दे दो, और कॉमा इस रेंज को हम दे देंगे, और इसको एंटर कर देंगे, ये देखो यहां पे आ जाएगा। तो ये सारा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगा, जब भी कहीं ऐसा कुछ कैलकुलेशन करनी, ये टोटल वोटल करने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। आप डायरेक्ट क्या करना है, कहीं पे भी यहाँ पे या कहीं पे भी ऐसा लिखना है, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट और ब्रैकेट में, और क्या करना है, इस वाले को, रेट वाले को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और क्वांटिटी वाले रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और एंटर प्रेस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका ग्रैंड टोटल। तो आपका उसका बिल क्या हुआ, 982 रुपीस, राइट। सो ये रहा हमारा सम प्रोडक्ट का फार्मूला, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको भी हाईलाइट कर ले रहे हैं। तो अब तक हम लोग सम, सम इफ, सम इफ्स एंड सम प्रोडक्ट, जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इसको मैंने आपको बता दिया। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ एडिशनल और सम के फार्मूला, जो कि सम एसक्यू, सम ए, तो इसके बाद बात करते हैं सम एसक्यू फार्मूला के ऊपर। तो चलो सम एसक्यू के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सम एसक्यू लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दो कॉलम ले ले रहा हूँ, एक को लिख दे रहा हूँ वैल्यू 1, चलो यहाँ पे ले ले रहा हूँ वैल्यू 1, और एक को हम दे दे रहे हैं वैल्यू 2, राइट। और यहाँ पे नंबर कुछ डाल दे रहे हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं 4, और यहाँ पे डाल दे रहे हैं 5, कुछ भी नंबर, ठीक है।
और सम इसको क्या करता है, स्क्वायर रूट को, स्क्वायर को क्या करता है, एडिशन कर देता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर हम सम एस क्यू फार्मूला निकालेंगे, सम एस क्यू फार्मूला, तो कैसा आएगा, इज इक्वल टू सम एस क्यू और यहाँ ब्रैकेट में और क्या हो जाएगा इसका, और कॉमा और ये वाला एंटर कर देंगे। ये देखो ये आ गया 41, कैसे आया ये जानना है हमें। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पे आपको ऐसे आएगा, देखो इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ये प्रॉब्लम हो रहा है, इज इक्वल टू 4 into 4 ऐसे कर देंगे इसका हो जाएगा, और प्लस 5 into 5 ये ऐसे आएगा, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा 41, है ना, ऐसे ही। तो सम इसके फार्मूला ऐसे हम लगा सकते हैं, इसका कंडीशन भी दे सकते हैं, अगर दो लाइन में है तो उसको भी हम दे सकते हैं, सीरीज में दे सकते हैं इसको। तो होता है कहीं कहीं यूज होता है सम एसक्यू फार्मूला। इसके अलावा मैं बात कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, सम एसक्यू के जगह पे हम लोग टॉगल साइन कहीं भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे मान लो दो स्क्वायर स्क्वायर, तो कई सारे घात, अगर जो घात हमारे होते हैं ना, दो पे 10 का घात, दो पे 5 का घात, अगर उसकी वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू 2 पे 7 का, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये टॉगल साइन होता है और इसको हम इसके ऊपर जितना 8 का लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। तो ये भी फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप सम एसक्यू फार्मूला आपको समझ में आया होगा, और एक एक्स्ट्रा भी मैंने बता दिया, और अब हम इसको भी क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर ले रहे हैं। और अब हम बात करेंगे सम एक्स टू एम वाई टू फार्मूला, इसके लिए भी मैंने यहाँ पे सम एक्स टू एम वाई टू मैंने एक बना लिया टेबल, इसमें नहीं लिया मैंने, तो चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं दो वैल्यू को और उसमें कंपैरिजन करके आपको दिखा देंगे। तो सेम लाइक यहाँ पे वैल्यू 1 ले लिया मैंने, और यहाँ पे वैल्यू 2 ले लिया, और यहाँ पे नंबर दे देते हैं। तो ये करता क्या है, ये जस्ट सम एसक्यू का उल्टा काम करेगा, है ना। ये 5 दे देते हैं, यहाँ पे 4 दे देते हैं, तो और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कितना आएगा, ये क्या सम एक्स टू एम वाई टू, है ना, सम एक्स टू एम वाई टू इस, ये कितना है। तो हम यहाँ फार्मूला देते हैं, इज इक्वल टू सम एक्स टू और एम वाई टू, एम वाई टू, और ब्रैकेट में दे देंगे हम क्या, ये नंबर कॉमा और इस नंबर को दे देंगे, ये आ गया। तो ये कैसे आया क्वेश्चन यहाँ पे, इसको प्रूव करते ये कैसे आया। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर ले रहा हूँ, ये लो। तो यहाँ पे ये कैसे आया, इसका स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे 4 चौक 16 हो जाएगा। तो अब दोनों 25 में 16 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम सम एसक्यू में क्या किए थे, ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, अगर कम है तो माइनस में भी आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे इसको दे दिया और यहाँ पे इनको दे दिया, और अब हम करेंगे फार्मूला तो क्या आएगा, देखो ये सम एक्स टू और एम वाई टू, और ब्रैकेट में वही हम दे देते हैं इनको कॉमा इसको, तो ये देखो माइनस में आ जाएगा वही चीज, ठीक है। तो जो भी रहेगा वो कैलकुलेट करके आपको दे देगा, राइट। तो ये फार्मूला हमारा क्या है, सम एक्स टू एम वाई टू, जस्ट लाइक सम एस क्यू फार्मूला, बट ये माइनस करेगा, अपोजिट रहेगा, राइट। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। और अब हम बात कर लेते हैं, इसको भी मैं कर ले रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पे है सम एक्स टू पी वाई टू, यहाँ पे क्या था, माइनस कर रहा था, यहाँ पे प्लस कर देगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम दिखा दे रहे हैं, बट यहाँ पे माइनस कर रहा है, यहाँ पे देखो ये प्लस कर रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट इसका कंडीशन क्या होता है, कई सीरीज एक साथ कर सकते हैं आप, दो दो का, तीन तीन का, ऐसे, ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे सम एक्स टू पी वाई टू,
इसको सम एक्स टू पी वाई टू इसको ले लेते हैं यहाँ पे देखो, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं दो वैल्यू को ले लेते हैं, वैल्यू वन और यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यू टू, और यहाँ पे हम निकाल लेंगे इनका फार्मूला क्या, सम एक्स टू पी वाई टू ये हम निकालेंगे यहाँ पर, राइट। तो ये क्या है, यह नंबर ले लो सेम, यहाँ पे ले लिया फाइव, यहाँ पे ले लिया फोर, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू सम एक्स टू पी वाई टू। तो ये क्या करेगा, एडिशन कर देगा इन दोनों का, कॉमा और ये नंबर एंटर कर दो, ये देखो एडिशन कर दिया, पाँच पच्चीस पच्चीस, चार चौको सोलह, पच्चीस क्या करेंगे ए 41 हो जाएगा, राइट। तो जस्ट लाइक अ सम एस क्यू फार्मूला, बट यहाँ पे अगर दो दो नंबर है उसको भी हम कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये फार्मूला रहा सम एक्स टू पी वाई टू। तो आप हम बात करते हैं, ये भी हम कलर कर ले रहे हैं, और अब लास्ट फार्मूला हम सम सीरीज का देख रहे हैं क्या है, सम एक्स एम वाई टू, राइट। ये थोड़ा कुछ अलग स्वैपिंग के लिए होता है, मैथमेटिक वगैरह में आप स्वैपिंग नंबर निकालते हो, मिडल स्वैपिंग, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे मैंने एक बना लेता हूँ, चलो टेबल नहीं बन पाया, यहाँ पे ले लेते हैं दो दो नंबर ले लो आप, सपोज करो यहाँ पे वैल्यू, ये वैल्यू वन है और यहाँ पर वैल्यू टू है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू टू है। तो वैल्यू वन में दो नंबर है, ठीक है, एक वैल्यू वन में है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ थ्री, और यहाँ पे दे रहा हूँ फाइव, और यहाँ पे दे रहा हूँ मैं सिक्स, और यहाँ पे दे रहा हूँ फोर, ऐसा कुछ नंबर है हमारे पास, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ तो आपको ईजिली समझ में आएगा, चलो इसको, राइट। तो अब इसका हमें निकालना है, यहाँ पे क्या फार्मूला निकालना है, सम एक्स टू एम वाई टू, सम एक्स एम वाई टू क्या है देख लेते हैं फार्मूला को, सम एक्स एम वाई टू। एक्चुअली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब इज इक्वल टू करके लिखेंगे तो वहां पे आ जाता है फार्मूला, सम एक्स टू सम एक्स एम वाई टू, एम वाई टू। अब यहां फार्मूला जब निकालोगे तो आ जाएगा, यहां देखो इज इक्वल टू सम एक्स, राइट, और एक्स एम वाई टू, ऐसे ये आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या करना हमें, इन दोनों नंबर को हमें सेलेक्ट करना है, और कॉमा इसको सेलेक्ट करना और एंटर कर देना, तो यहाँ पे आ गए 10, राइट। अब ये क्वेश्चन आ रहा कैसे आया 10, दैट वी नीड टू प्रूव हियर, राइट। तो क्या करें हम, चलो यहाँ स्वैपिंग करके हम दिखा रहे हैं, जैसे मान लो ये नंबर, सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे इस नंबर को हम लिख देंगे एज इट इज रहेगा, और ये बीच के दो नंबर स्वैप हो जाएंगे आपस में, ये दोनों नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फाइव आ जाएगा, राइट, और ये लास्ट का नंबर एज इट इज रह जाएगा, तो इसको हम फोर ही कर देते हैं, और अब क्या होगा, इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स में से थ्री माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, सिक्स में से थ्री माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तीन तेरे को नौ हो जाएगा प्लस, और माइनस का भी जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। तो एक माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो प्लस एक हो जाएगा ये, राइट। तो नौ और एक कितना हो गया, दस हो गया, तो इस तरह से ये आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, नाइन प्लस वन टेन हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए वो चीज़ डायरेक्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे, राइट। तो ये क्या है फार्मूला, सम एक्स एम वाई टू। तो ये हमारे सारे फार्मूला रहे, इसको भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ से, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया,
सो गाइस, आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा सम सीरीज का, और इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और इस फार्मूला को आप देख लीजिए एक बार दो बार, और अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। सो गाइस, एक्सेल के ये पावरफुल शॉर्टकट कमांड मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और ये देख सकते हैं, ये सारे एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसको आप अगर आप देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो कि हमेशा आपके काम में आएगा। और ये शॉर्टकट की अगर आपको आता है तो आप बहुत फास्ट काम कर पाएंगे अपने एक्सेल, जब भी आप एक्सेल में काम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला शॉर्टकट की हम बात कर रहे हैं क्विक सम करने के लिए। जैसे मान लो एक मैं टेबल ले लेता हूँ, दूसरे शीट पे हम चल लेते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर है, इसको मैंने यहाँ ब्लैंक में कहीं कॉपी कर लिया। और क्विक सम, अगर इसको हमें सम करनी है, इसका सम हमें चाहिए, तो इसके लिए शॉर्टकट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे Alt प्लस इक्वल साइन अप दबाएंगे तो क्विक सम इसका हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल टू सम और ब्रैकेट में, और यहाँ से फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, या तो इसको हम ड्रैग करते हैं तब हम ये करते हैं क्लिक, तब ये सम इसका एडिशन दिखा देता है। यहाँ पे शॉर्टकट आप जस्ट प्रेस करना है क्या, Alt और इक्वल साइन प्रेस करना है और एंटर कर देना है, ये आपका सम दिखा देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो क्विक सम करने के लिए हमारे पास फार्मूला जो था क्या है, Alt प्लस इक्वल, प्लस मैंने लिखा है मतलब प्लस आपको दबाना नहीं है, Alt एंड इक्वल साइन दबाना है, प्लस मतलब और यहाँ पे है, Alt एंड इक्वल साइन आपको दबाना है तो क्विक सम आपको मिल जाएगा। दूसरा कमांड, आज का अगर आप डेट देखना चाह रहे हैं, आज का कौन सा डेट है, तो उसके लिए यहीं पे कहीं पे भी आप आज का कौन सा डेट है, तो इसके लिए कंट्रोल और सेमी कॉलन आपको प्रेस करना है, तो करंट डेट आपको मालूम हो जाएगा, 2nd 1 2021, यहाँ देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर अभी करेंट टाइम आपको देखना है, आज का टाइम देखना है, तो इसके लिए एक कमांड है कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमी कॉलन। कंट्रोल और सेमी कॉलन से आपको करेंट डेट दिखाएगा, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन से आपको करेंट टाइम दिखाएगा। देखो कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो टाइम अभी 10:07 हो रहा है, ये दिखाएगा, राइट। ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, और नेक्स्ट कमांड हमारा है सेव एस। नॉर्मली आप क्या करते हैं, फाइल मेनूज में जाते हैं और आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं सेव एस ऑप्शन में। सेव एस से बेनिफिट क्या होता है, फर्स्ट बार अगर कोई फाइल सेव करते हो, सेव एस करते हो, तो डुप्लीकेट नेम हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेव एस कमांड हम यूज कर रहे हैं। सेव एस के लिए कमांड यहाँ मेनू में ना जाके हम डायरेक्ट F12 से सेव एस कमांड यूज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, जैसे मान लो अगर ये फाइल हमें PDF में कन्वर्ट करनी है, अगर आप PDF में सेव एस में जाना पड़ेगा आपको, तो चलो हम करके दिखाते हैं आपको। इसी को मैं सेव एस में जा रहा हूँ, तो F12 में प्रेस करूँगा और मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, और यहाँ पर सेम जो नेम लिखा हुआ मैजिक शॉर्टकट कीज, बस इसको रहने दीजिए, और यहाँ पे ये सेव टाइप्स में आपको जाकर PDF कर देना है, तो ये फाइल PDF में कन्वर्ट हो जाएगी डेस्कटॉप पर। और इसका नाम थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 2 और PDF यहाँ से कर देंगे, ओके, सेव हो जाएगा। और अब हम जाकर देखेंगे, यहाँ देखिए ये फाइल PDF में आ गई है। तो कभी भी कोई नोट्स वगैरह अगर आपको कहीं मेल करना है एक्सेल का, तो आप PDF में कन्वर्ट करके ऐसे मेल कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं PDF में कन्वर्ट हो गई है ये, नेक्स्ट कमांड हम बात करते हैं, ये है पेस्ट करने के लिए। नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है,
या तो यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तब भी मेनूज में जाके आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। बट ये नया तरीका मैं आपको बताऊंगा पेस्ट करने के लिए। जैसे मान लो कुछ भी आपने लिखा हुआ है और वही लाइन आपको पेस्ट करनी है, जैसे मान लो यहाँ से मैं ये वाली लाइन हमें पेस्ट करनी है, जितना आपको पेस्ट करना है तो यहाँ तक सेलेक्ट कर लो और आप कंट्रोल डी प्रेस करो, ये पेस्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या है, सीरीज लाने के लिए हम पेस्ट काम करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने टू लिखा हुआ है और यही टू टू हमें प्रेस करना है यहाँ पे, इतना तो कंट्रोल डी हम प्रेस करेंगे, ये हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। कुछ भी जो भी नंबर लिखा हुआ है या अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, वो जितने एरिया आप सेलेक्ट करोगे वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे दो लाइन, ये तीन लाइन हम यहाँ से इतना हम कर रहे हैं, कंट्रोल डी करेंगे तो आप देख सकते हैं वही लाइन आपको सारा मिल जाएगा, फर्स्ट लाइन को सारा। तो आप सीरीज जब हम बनाते हैं, सीरीज जो हम यहाँ पे फिल होता है ना, लेफ्ट राइट डाउन बॉटम, उसके जगह पर हम कंट्रोल डी से पेस्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को। नेक्स्ट कमांड हम बात करते हैं सेलेक्ट करने के लिए। सेलेक्ट करने के लिए क्या, एक्सेल में हमारे पास होता क्या है, रो एंड कॉलम, राइट, यही दो चीज़ें होती हैं। तो रो को कैसे हमें सेलेक्ट करना है और कॉलम को कैसे हमें सेलेक्ट करना है, इसके लिए हम सीखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम सेलेक्ट रो के बारे में बात करते हैं। तो कर्सर हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे देखिए शिफ्ट और स्पेस बार से हम सेलेक्ट रो आप कर सकते हैं, रो को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर रखो और शिफ्ट के साथ स्पेस ऐसे प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक रो सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ से हम क्या करें, एक रो हमें इंसर्ट करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देख सकते हैं ये कमांड इंसर्ट रो। इंसर्ट रो करने के लिए हमें शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करना है, उसके बाद कंट्रोल और प्लस दबाना है, मतलब दो कमांड आपको साथ साथ यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ तो इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे, ए सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद कंट्रोल दबाकर शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, आप कंट्रोल दबाइए और प्लस साइन क्लिक करेंगे तो ये आपको रो मिल जाएगा। अब जितनी बार आप प्लस करते जाओगे उतने रो आपको मिलते जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्या, इंसर्ट करने के लिए रो हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं डिलीट रो, डिलीट करना। पहले हम इंसर्ट कर लेते फिर उनको डिलीट करने के लिए, सेम यहाँ पे शिफ्ट स्पेस बार देन कंट्रोल प्लस से इंसर्ट करता है और कंट्रोल माइनस से क्या करता है, डिलीट रो करेगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे इंसर्ट कर रखे हैं और अब हम एक दो तीन, और यहाँ से अगर हमें डिलीट करनी है रो को तो माइनस प्रेस कर देंगे, कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस, तो ये डिलीट हो जाएगा, तो डिलीट रो। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, शिफ्ट के साथ जो यूज़ कर रहे हैं ये सभी क्या था, रो के लिए सेलेक्ट करने के लिए, रो रो सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, शिफ्ट स्पेस बार, अगर इंसर्ट करना है तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ आपको होल्ड करके प्लस प्रेस करना तो इंसर्ट हो जाएगा, और डिलीट करने के लिए माइनस प्रेस करना है तो डिलीट हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं कॉलम के लिए। तो यहाँ पे देखिए कॉलम के लिए ये नेक्स्ट कमांड हमें है, कमांड नंबर 9 है, और यहाँ पे हम बात करते हैं कंट्रोल स्पेस बार सेलेक्ट कॉलम के लिए, एक कॉलम पर्टिकुलर आपका सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे भी आप है, यहाँ पे आप हैं तो कंट्रोल के साथ स्पेस करोगे तो ये पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी, सेलेक्ट हो गई। और इसके बाद हम चाहते हैं कि इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट कॉलम नेक्स्ट कमांड हमारा है कॉलम को इंसर्ट करने के लिए। तो सेम वैसे जैसे हम रो को कर रहे थे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाकर हम करेंगे, फिर यहाँ पे देखो कंट्रोल स्पेस बार से हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, और देन हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये एक कॉलम आपको मिल जाएगा नया, यहाँ देखिए, और जितनी बार आप करोगे उतनी कॉलम आपको मिल जाएगी। और सेम इसी प्रकार तो ये कमांड हमारा क्या था, इंसर्ट कॉलम। और अब हम बात करते हैं डिलीट कॉलम। जैसे मान लो हमने इंसर्ट किया, पहले हम कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किए, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ हमने एक इंसर्ट कॉलम किया यहाँ पर, और अगर इस कॉलम को हमें डिलीट करनी है तो इसके लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार देन कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार से सेलेक्ट हो गया और इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
डिलीट हो जाएगा। तो आई होप रो एंड कॉलम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि रो को कैसे सेलेक्ट करना है, रो को कैसे इंसर्ट करना है, रो को कैसे डिलीट करना है, और उसके बाद मैंने बताया कॉलम को कैसे सेलेक्ट करना है, कॉलम को कैसे इंसर्ट करना है और कॉलम को कैसे डिलीट करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक शॉर्टकट की, यहाँ प्रिंट, जो कि सबको मालूम है कंट्रोल पी से, चाहे वर्ड हो चाहे एक्सेल हो चाहे किसी जगह, हर जगह ये काम करता है कंट्रोल पी। तो इसको हम करके दिखाने नहीं जा रहे हैं आपको, कंट्रोल पी करो और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, सबको मालूम है ये चीज़, राइट। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, एडिट करने के लिए, किसी सेल को अगर आपको एडिट करनी है, जैसे मान लो आपने कोई फार्मूला लिख रखा है यहाँ पर, यहाँ पे मैं चलता हूँ, फार्मूला यहाँ पर है, इस फार्मूला में कोई एडिट करनी है अगर हमें, तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे डायरेक्ट आप टाइप करोगे तो वो चला जाएगा, पहले का सारा कुछ चला गया, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। इसमें एक्सेल में क्या होता है, आप F2 प्रेस करो तो एडिट यहाँ पे आ जाएगा और आराम से आप यहाँ से इसकी एडिटिंग कर सकते हैं कुछ भी। तो F2 से क्या होता है, किसी सेल की एडिटिंग करना, कहीं पे भी आप इसमें एडिट करना है तो F2 प्रेस करो और यहाँ पे कर्सर आपका फ्री हो जाएगा, आप जहाँ भी जाओ, जहाँ भी चाहते हो वहाँ से आप एडिटिंग इसकी कर सकते हैं। तो ये एडिट। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपसे कहा जाए कि एक ही सेल में आपको दो लाइन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, जैसे मान लो एक सेल है हमारे पास यहाँ, और इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर एक सेल है और इसमें मैं चाहता हूँ कि दो लाइन लिखें हम, एक लाइन में सीरियल लिखूँ, दूसरी लाइन में नंबर लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे सीरियल और यहाँ पे नंबर लिखता हूँ तो ये क्या हो जाता है, इसी सेल में रहेगा, दूसरे में नहीं जाएगा, हमें दूसरे लाइन में करना है। और यहाँ पे अगर लिखते हैं हम सीरियल और एंटर करके नंबर तो दूसरे सेल में चला जा रहा है। एक ही लाइन में अगर हमें दो सेल को लिखना है, यहाँ पे देखिए न्यू लाइन, एक सेल में ही दो लाइन को लिखना, न्यू लाइन लेना है हमें, तो उसके लिए हम जितनी लाइन आप लेना चाहते ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें कमांड देना है ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करना है, ये शॉर्टकट की बहुत पावरफुल है, बहुत यूजफुल है। कभी भी आपको लिखना है दो लाइन तीन लाइन एक सेल में तो ऐसे लिख सकते हैं। नॉर्मली हमें क्या करना होता था, रैप टेक्स्ट में जाके इसे करना पड़ता था, यहाँ पे शॉर्टकट से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ, अगर लिखना है जैसे मान लो हमें लिखना है ईशान कंप्यूटर, अब ये चला जाएगा इसी में, अगर है एक ही लाइन में लिखना है हमें दूसरे लाइन में ईशान कंप्यूटर को दूसरी लाइन में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे कंप्यूटर, ये हो गया, ऑल्ट के साथ एंटर करेंगे तीसरा लाइन आ जाएगा कसिया, ऐसे देखिए ऐसे आ जाएगा। तो एक ही सेल में ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता था पहले इसके लिए, रैप टेक्स्ट में जाके आपको करना है, तब जाके वहाँ से चेंज होता है, राइट। तो ये बहुत पावरफुल कमांड है, इसको आप याद रखना। ऑल्ट के साथ एंटर करने से एक ही सेल में आप कई लाइन लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कमांड की, और ये हमारा कमांड नंबर 15 है, और इसमें हम देखेंगे कि ये नेक्स्ट शीट पे, जैसे हमारे पास कई सारे शीट है, यहाँ पे एक शीट है, दो शीट अभी हमारे पास है, तो नेक्स्ट शीट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ पेज डाउन करना है, तो आप दूसरे शीट पे चले जाते हैं। देखिए दूसरे शीट पे हमने कंट्रोल के साथ पेज डाउन मैंने प्रेस किया, दूसरे शीट पे आ गया। इसी प्रकार अगर प्रीवियस शीट पे जाना है तो कंट्रोल के साथ आपको पेज अप करना है, तो आप प्रीवियस शीट पे चले जाएंगे। तो ये कमांड याद करके रखिए, पेज डाउन से आप नेक्स्ट शीट पे जाएंगे, और पेज डाउन से आप पेज डाउन से नेक्स्ट शीट पे जाएंगे, और पेज अप से आप प्रीवियस शीट पे जाएंगे। जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, और एक शीट ले रहे हैं और हम अभी हैं शीट नंबर 1 पे, और अब हम प्रेस करेंगे यहाँ पे, पेज डाउन प्रेस करेंगे, देखना नेक्स्ट शीट पे हम चले जाएंगे। तो कंट्रोल के साथ हम प्रेस कर रहे हैं पेज डाउन, तो देखिए इस शीट पे आ गए, देखिए इस शीट पे आ गए, और एक बार प्रेस करेंगे फिर नेक्स्ट शीट पे आ गए, शीट नंबर अभी देखिए 3 पे हम हैं, और फिर से हम प्रेस करेंगे शीट नंबर 4 पे आ गए,
और अगर कंट्रोल के साथ अगर आप पेज अप प्रेस करोगे तो ये शीट 3 पे आ गए, शीट 2 पे आ गए, शीट 1 पे आ गए। तो ऐसे नेक्स्ट शीट एंड प्रीवियस शीट पे जाना है तो इसके लिए हम इस कमांड को यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कमांड हमारा है, नेक्स्ट शॉर्टकट की है F11, जिससे हम चार्ट ला सकते हैं। अगर कुछ कोई ग्राफिक कोई सिनेरियो एनालिसिस करनी है आपको, यहाँ पर इसका कोई चार्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको प्रेस करना है F11, तो उसका एक चार्ट आपको मिल जाएगा। तो हम सिटी और सेल्स का एक चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो F11 प्रेस करो, इसका चार्ट यहाँ पे आ गया सेल्स और सिटी का। तो ये शॉर्टकट कमांड आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक बहुत पावरफुल यहाँ पे कमांड है ये शॉर्टकट की, हमेशा आपको याद रखना है, ये बहुत काम का है। क्या है, फ्रीज करने के लिए रो या कॉलम दोनों को आप फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज क्या होता है गाइस, जैसे मान लीजिए यहां से मैं चाहता हूं कि ये पावरफुल शॉर्टकट की हमेशा यहाँ दिखता रहे, नहीं तो अगर हम डाउन में जाएंगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा। देखिए अब नहीं दिख रहा, मैं चाहता हूँ वो वहाँ पे रुका रहे, और फिर यहाँ पे जो सीरियल नंबर है इधर ये भी रुका रहे, यहाँ से हम जाएं तो ये ना जाए, सीरियल नंबर देखिए चला गया, मैं चाहता हूँ वो रुका रहे वहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना, फ्रीज करना रहेगा रो और कॉलम के। उसके लिए आपको कर्सर पॉइंट अपना यहाँ पे रखना है और ये दोनों को हम फ्रीज कर देंगे। उसके लिए शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ आप प्रेस करो W और F प्रेस करो, ये फ्रीज हो गया। और अब देखो इसके बाद क्या हुआ, आप कुछ भी काम करते जाओ, नीचे जाते जाओगे, नीचे जाओ, ये यहाँ पे रुका रहेगा, ये नहीं जाएगा वहाँ पे, हमेशा के लिए रुका रहेगा ये, जब तक आप अनफ्रीज नहीं कर देते। इसी प्रकार आप जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तब ये फ्रीज यहाँ पे रुका रहेगा, ये सीरियल नंबर ये नहीं जाएगा। तो ऐसे हम किसी रो या कॉलम को हम फ्रीज कर सकते हैं। ये चीज़ आप ऑप्शन में भी जाके यूज़ कर सकते हैं, इसको व्यू में फ्रीज ऑप्शन है हमारे पास, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और इसको शॉर्टकट की कैसे मैंने बताया, इसको हटाना फ्रीज को, सेम ऑल्ट W और F प्रेस करोगे तो हट जाएगा। अब फ्रीज लगाना है तो सेम ऑल्ट W F प्रेस करेंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा। तो शॉर्टकट है ऑल्ट W F फ्रीज एंड अनफ्रीज करने के लिए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद हम बात करते हैं फिल्टर के लिए, फिल्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, बट फिल्टर लगाने के लिए आप नॉर्मली कहाँ जाते हो, उसके लिए या तो आप होम में जाकर और यहाँ पे जाते हो फिल्टर ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, या तो आप जाते हो कहाँ पे डाटा में और यहाँ से फिल्टर ऑप्शन को चूज करना पड़ता है आपको। यहाँ से हम शॉर्टकट यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और L प्रेस करेंगे तो इससे फिल्टर आ जाएगा इसमें ऑटोमेटिक। तो इसके लिए क्या करना है, हमें और क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंड L प्रेस करना है आपको। ये देखो फिल्टर ऑप्शन यूज हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ देखो फिल्टर किसका करना है, आप वो चीज फिल्टर यहाँ से कर सकते हो, ऐसे फिल्टर यूज कर सकते हैं। और सेम अगर हमें फिल्टर नहीं चाहिए तो आपको सेम वही, तो सेम कमांड से फिल्टर कर सकते हैं और अनफिल्टर कर सकते हैं। क्या है कमांड, कंट्रोल शिफ्ट L। और इसके बाद लास्ट हमारा जो शॉर्टकट की है ये सिलेक्शन के लिए होता है। जैसे मान लो आपका बड़ा टेबल है, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम बिना माउस के हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पे कर्सर है जैसे, इसके लिए क्या करना है आपको, देखो इसमें यूज़ क्या करना है, हमें कंट्रोल शिफ्ट दबाकर और एरो कीज को यूज़ करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटर में अभी हम पड़े हैं और कंट्रोल शिफ्ट, और अगर हम बात करते हैं कि अप एरो तो ऊपर का सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर हम बात करते हैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो तो राइट साइड पूरा सेलेक्ट हो जाएगा जहाँ तक आप जाना चाहो। लेफ्ट एरो करेंगे लेफ्ट साइड सेलेक्ट होगा, और डाउन एरो करेंगे तो डाउन साइड पूरा सेलेक्ट हो जाएगा जितना आप चाहोगे, राइट। तो ऐसे कंट्रोल आप कहीं पे कर्सर रख के यहाँ से जैसे पूरा ऊपर का सेलेक्ट करना, कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो प्रेस करो, लेफ्ट एरो प्रेस करो तो इधर हो जाएगा, राइट एरो प्रेस करोगे तो इधर हो जाएगा। आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरोस की का यूज़ करके आप कोई भी डेटा सिलेक्शन आप कर सकते हैं किसी भी बड़े से बड़े टेबल में, आपको माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो जैसे मान लो ऊपर से हमें करनी है, अगर यहाँ से पूरा सेल करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप क्या करोगे, राइट करो, फिर डाउन करो, पूरा आपका टेबल ही सिलेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, ये हमारे पावरफुल 20 शॉर्टकट कमांड मैंने बताया आपको। ये शॉर्टकट की बहुत पावरफुल है। इसे क्या होता है कि अगर ये आप यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि आप सीख गए बस हो गया, ऐसा नहीं, उसको डे बाय डे यूज़ करो। आप जब भी कोई काम करें, जैसे हम कहीं पे काम करें, हमें कुछ भी लाना पड़ा, यहाँ पे पेस्ट करना पड़ा या सेलेक्ट करना पड़ा, तो हम तुरंत यूज़ किए शिफ्ट स्पेस बार यूज़ कर लिए, कंट्रोल स्पेस बार यूज़ कर लिए और इंसर्ट कर लिए सब कुछ। मतलब ऐसे ही आप ट्राई करो, कहीं पे आपको डेट लेनी है तो उसके लिए कंट्रोल और सेमीकोलन यूज़ कर लिए, मतलब इसका यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी एक्टिविटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी और एक दिन आप सुपर सुपर पावर हो जाएंगे, इतना फास्ट काम करने लगेंगे एक्सेल में। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, डेटा वैलिडेशन के लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये टेबल है हमारा, और टेबल मैंडेटरी होता है। कोई भी एडवांस एक्सेल में कोई भी फीचर्स आपको करनी है तो आपके को टेबल ज़रूरत होता है, बगैर टेबल के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक नॉर्मल टेबल मैंने लिया हुआ है, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है और नेम है, सिटी है, जेंडर है, एज है और जॉब प्रोफाइल है उनका, अलग अलग जॉब प्रोफाइल है। अगर हमें ये टेबल मैनुअली क्रिएट करना है, सपोज करो यहाँ पे सिटी है और ये चार सिटी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहने हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉपअप मेनू बना सकते हैं। डेटा वैलिडेशन में सबसे पहला काम हम बता रहे हैं आपको, पॉपअप मेनू बना सकते हैं, पॉपअप मेनू बनाना। तो उसके लिए मैं एक दूसरा शीट लेके उस पर पहले बना के बता दे रहा हूँ आपको कैसे पॉपअप मेनू बनाते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने इस शीट पर आ जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लिया पुणे, दिल्ली और यूपी और बेंगलोर, इसको लिख के रखा मैंने। और यहाँ पे हमें पॉपअप मेनू बनाने हैं, तो इसको मैं एरिया को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद हमें जाना रहेगा डेटा में, और डेटा वैलिडेशन यहाँ पे मिलेगा, डेटा वैलिडेशन में जाकर और यहाँ पे हमें देखना रहेगा लिस्ट, इसको सेलेक्ट करना रहेगा और इस रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना जहाँ से आपको डेटा पिक करना है, इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको आप सेलेक्ट कर लो और इसको कर दो ओके। और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पॉपअप आ जाता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाता है, यहाँ से कोई भी नेम आप उसमें से ले सकते हैं। यहाँ से देखो पुणे ले लिया, यहाँ पे आप जाएंगे यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसे कोई भी आप नेम यहाँ से ले सकते हैं, जितने एरिया सेलेक्ट रहेगा वहाँ से ये मिल जाएगा। तो पॉपअप मेनू हम डेटा वैलिडेशन से बनाते हैं, पहला चीज़ हो गया, राइट। अब चलिए उस शीट में अपने, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ जैसे सिटी है और सिटी में, सिटी के लिए मैं यहाँ पे कुछ जैसे दिल्ली मैंने ले लिया, चलो दिल्ली लिख लिया और पुणे ले लिया और यूपी ले लिया और बेंगलोर ले लिया, इसको ले लिया यहाँ से, राइट। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिटी में इसमें डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें बनानी है। इसके लिए हम ये की सिलेक्ट कर रहे हैं, पूरा नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, एक चीज़ और, एक ऑप्शन और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो आपको मालूम है कहाँ से कहाँ तक रेंज आपको ये ड्रॉप डाउन मेनू बनानी है, तब तो आप पूरा सेलेक्ट कर लो, लेकिन मान लो कल को ये बड़ा होता है, ज़्यादा लंबा जाता है, तो फिर हम कहाँ तक सेलेक्ट करेंगे इसको, तो बेटर है आप मत सेलेक्ट करो, पेस्ट स्पेशल का यूज़ करके हम बाद में उसमें कर लेंगे अपना मैनेज। तो अभी एक ही को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, एक सेल को सेलेक्ट कर रहे हैं, और फिर हमें कहाँ जाना है, डेटा में जाना है और डेटा वैलिडेशन में जाना है, वैलिडेशन आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला है यहाँ पे सेटिंग में और इसमें लेना है लिस्ट, इसको सेलेक्ट करिए सोर्स जहाँ से आपको पिक करना है, और कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे लिखा होगा वहाँ से आप पिक कर सकते हैं जो जो आपको लेना हो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर में, दो लेना दो लिखिए, चार लेना पांच लेना, जितने भी लेना वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा। अभी चार मैंने लिया, चार सिटी का नाम,
ये आ जाएगा और इसको कर दो ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट इस सेल में बन चुका है, तो ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। कौन सा आपको सिटी सेलेक्ट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे बैंगलोर सेलेक्ट करना, बैंगलोर मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सेकेंड में नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्योंकि मैंने एक ही सेल को सेलेक्ट किया था। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको करना क्या है, यहाँ से इसको कॉपी करो, और यहाँ से हमें जाना है होम में जाओ और पेस्ट स्पेशल में जाना है, यहीं पे राइट क्लिक कर लो, पूरे को हम जितना रेंज हमें लेना रहेगा पूरा सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे बस। अब आप जाके देखेंगे सभी के पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा, वही ड्रॉप डाउन लिस्ट चारों आ जाएगा सभी, कहीं पे आप जाके देखेंगे। तो ऐसे पेस्ट स्पेशल का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट ऐसे आ जाएगा कोई भी नहीं। तो ये तो हो गया लिस्ट करना, लिस्ट से ड्रॉप डाउन लिस्ट हम बना सकते हैं। तो इसमें क्या बेनिफिट क्या है, जैसे आप बैंगलोर लिख रहे हैं स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है जहाँ से सोर्स लिया, तो यहाँ पे कभी मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं रहेगा। नहीं तो मान लो कोई टाइप कर रहा है अगर उसकी इंग्लिश वीक है तो वो क्या करेगा, बैंगलोर की स्पेलिंग कुछ गलत लिख सकता है या दिल्ली की स्पेलिंग कुछ गलत लिख सकता है, देखिए ऐसे। और तो इसके लिए क्या है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आप बना के रखना है। और इसका बेनिफिट ये है, देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर गलत आप लिखेंगे तो उसको, जैसे मैंने गलत लिखा चार के अलावा, तो यहाँ पे एरर आपको मिल जाएगा, देखिए एरर मिल जा रहा है यहाँ पे कि आपने गलत एंट्री किया है। लेकिन अब इससे पहले मैं कुछ और बता रहा हूँ आपको, फिर इस एरर के बारे में हम बात करेंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको समझ में आ गया, इसी प्रकार चलिए हम कुछ और ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के दिखा दे रहे हैं इसको। जैसे यहाँ पे मेल फीमेल की एंट्री है, और मेल फीमेल की एंट्री करनी है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, कहाँ पे मेल लगाना कहाँ पे फीमेल लगाना है। जब हम टाइप करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस रोल नंबर पे टाइप करना है इस पर्सन को, तो यहाँ पे हमने दे दिया ये क्या इसका कहाँ से है, पुणे से है। फिर यहाँ पे जेंडर की बात आता है तो मेल या फीमेल सेलेक्ट करना, तो यहाँ टाइप करने के बजाय यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट आए है ना। तो इसके लिए हम इसमें भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। तो सेम टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया वैसे यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन एक सेल में लिया था, उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का यूज़ करके फिर सभी को हमने सभी में वैलिडेशन अलाउ किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर पूरे को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ ताकि एक ही बार यहाँ तक के वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगा। और डेटा में जाना है सेम वैसे ही यूज़ करना है आपको, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना लिस्ट में, और लिस्ट मैंने अभी लिखा नहीं है, लिस्ट पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो दो चीज़ें हमें चाहिए, मेल और फीमेल, और अब हम जाएंगे यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे और जाना है आपको डेटा में, डेटा वैलिडेशन और लिस्ट, और यहाँ सोर्स में इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर लिया, दैट्स ऑल। और अब देखेंगे जैसे हमने यहाँ एंट्री किया यहाँ पे आ जाएगा मेल है फीमेल है, यहाँ पे गया ये मेल है फीमेल है, तो वो चीज़ हम दे देंगे यहाँ से है ना। कोई भी एंट्री यहाँ पे लिखा तो वो चीज़ हम दे देंगे यहाँ से कोई नाम लिखा मैंने कोमल, ये कहाँ से बिलोंग करती है, यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने लिया, और ये यहाँ से मैं इनको पुणे से है, क्या है ये मेल है फीमेल है फीमेल है, ऐसे दे सकते हैं। अब एज की बात करते हैं, यहाँ पे एज में हम क्या करते हैं, ऐसे इस एज को हम क्या कर रहे हैं हटा ले रहे हैं यहाँ से, और इसमें क्या करता हूँ मैं रेस्ट्रिक्शन लगाना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोई अलग सोर्स आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगा, इसके लिए आप पूरे को सेलेक्ट करो जितने एरिया में आपको लगाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पे बिटवीन का यूज़ करना है हमें, बिटवीन ऑप्शन का यूज़ करना है, बहुत नंबर ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे बिटवीन क्या एज वैलिडिटी हम दे रहे हैं यहाँ पे 18 टू, ये जॉब जो है
उसमें एलिजिबल कौन है 18 टू 32 ईयर वाले या 35 ईयर वाले, 35 ईयर तक एलिजिबिलिटी रहेगी इसके लिए। और इसके बाद हमने कर दिया, इसके बाद हम चाहते हैं तो ये तो 18 टू 35, चलिए हम इसको ओके कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप अगर करेंगे 24, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से टाइप हो जाएगा। अगर हम टाइप करेंगे 15, मतलब बिलो 17, 18 से कम है तो वो मैटर टाइप हो जाएगा, बट एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे इसके वैलिडेशन मैंने फिक्स कर रखा कितना 18 टू 35 के बीच में ही ये नंबर एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो ये नहीं लेगा यहाँ पे। और अगर हम 34 तक लेंगे तो ये आराम से यहाँ पे टाइप हो जाएगा। तो ये तो हो गया, 35 के ऊपर भी नहीं लेगा, ये देख लीजिए यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो सब कुछ सही जा रहा है, बट हम चाहते हैं जो मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्या मैसेज आ लिख के आ रहा है ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, हम समझ नहीं पा रहे क्या चीज़ है। हम ऐसा कुछ यहाँ सेट कर दें कि ये यहाँ पढ़ने मालूम हो जाए हमने क्या गलती किया है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करना है, हमें फिर से हमें जाना है, इसको सेलेक्ट करिए और डेटा वैलिडेशन में जाना है, और यहाँ पे मैंने रेंज तो सेलेक्ट किया हुआ है पहले से, और यहाँ पे इनपुट मैसेज में जाना है, और यहाँ पे टाइटल लिख दीजिए कुछ भी, जैसे मैंने टाइटल लिख दिया एज, एज के लिए हम कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या आए जो हमेशा लिखा हुआ है, तो एलिजिबिलिटी बिटवीन 18 35। तो जब भी हम कुछ टाइप करने जाएंगे तो ये मैसेज हमेशा दिखाता रहेगा वहां पे। तो इसको कर लिया मैंने, और इसके बाद एरर यहां पे देखिए, एरर अगर ये 18 से बिलो है या 35 से एबव है तो वहां पे कुछ मैसेज प्रिंट होके आ जाए। तो यहां पे मैं चाहता हूं टाइटल क्या वहां पे लिख के आए, इनवैलिड इनपुट, और यहां पे दे जाए प्लीज एंटर वैलिड इनपुट, प्लीज एंटर वैलिड इनपुट, इसको करके। और हम क्या कर, अब देखिए पूरा सभी कुछ सेट हो गया, यहां पे मैसेज में ये आएगा, और एरर में अगर एरर है तो ये चीज आपको आएगा स्टॉप करके ऐसे। और यहाँ पे जो सेटिंग मैंने कर रखी है 18 से 35 के बीच में कर रखी है, और इसको मैंने कर दिया ओके, और ये सेट हो गया। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे एज में जाएंगे, यहाँ पे एज लिखा, टाइटल जो लिखा था एलिजिबिलिटी बिटवीन 18 टू 35 है, तो हम अगर यहाँ पे 20 या 30 लिख रहे हैं तो आराम से लिखा जाएगा, बट अगर 15 या 16 कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है, देखिए इनवैलिड इनपुट, और जो मैंने प्लीज क्या दिया है, प्लीज एंटर वैलिड इनपुट, राइट। तो ये चीज आ जाएगा। अगर हम 30 यहाँ पे फिर से हम एक राइट नंबर ले रहे हैं, फिर हम 35 से ऊपर का नंबर लेंगे तब भी आपको ये मैसेज आएगा, एरर मैसेज आएगा। तो ऐसे हम डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक छोटा ही कॉन्सेप्ट है बट इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, हमेशा यूज रहता है जब भी आप बड़ा टेबल बनाते हैं, ये सब जरूरत पड़ती रहती है। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉयज आईडी हो गया है, नेम जैसे हम लिखते हैं नेम के आगे सिटी और ये पॉपअप मेनू आ जाए, फिर जेंडर यहाँ पे पॉपअप मेनू आ जाए मेल या फीमेल, फिर एज में यहाँ पे आ जाए, है ना, एज जब लिखूँ तो उसमें क्या है वैलिडिटी फिक्स हो, नहीं तो क्या होगा कभी 5 साल कोई लिख देगा, कभी 55 साल लिख देगा, तो वहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसलिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ ज़रूर करते हैं, और सभी टेबल में जो भी रिलेवेंट टेबल ऑफिस के लिए यूज़ होता है वहाँ पे डेटा वैलिडेशन डेफिनेटली यूज़ रहता है। तो जैसे यहाँ पे एक एंट्री मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पे ये निशा है और ये बिलोंग करती है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे शी बिलोंग्स टू दिल्ली, और यहाँ से शी इज़ अ फीमेल, राइट, और एज हमने दे दिया यहाँ पे 20 ऐसे,
राइट, तो आराम से ये एंट्री हो जा रही है। ऐसे जॉब प्रोफाइल का आप चाहें तो इसका भी बना सकते हैं, कौन कौन सा है, ऐसे जितने चाहें। जैसे मान लो एक टेबल है, ये अलग अलग कॉलम का, सिटी का, जेंडर का, एज का, जॉब प्रोफाइल और भी कुछ है, तो ऐसे बना के आप रख सकते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। जब भी आप टाइपिंग शुरू करेंगे तो ऐसे आप ले सकते हैं, वहाँ टाइप करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है इसका कि अगर आप इंग्लिश आपकी वीक है या कभी कभी नहीं भी वीक है तब भी आप मिस्टेक कर जाते हैं, मेल फीमेल या कोई भी डेजिग्नेशन कुछ भी है तो वहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो जाता है, और ड्रॉप डाउन मेनू अगर आप बना के रखे हैं तो डेफिनेटली वो कभी कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो गाइस देखिए, ये टेबल हमारा है। अब वी लुकअप के लिए कोई भी एडवांस फार्मूला अगर आपको यूज करनी है तो उसके लिए टेबल मैंडेटरी होता है, आपको प्रॉपर डेटा होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे कोई भी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो मैंने सीधा एक नॉर्मल सा एक डेटा बनाया हुआ है जिसमें मैंने देखी है यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी है और नेम है एम्प्लॉयज़ के, और उनके बेसिक सैलरी और जो भी इनके अलाउंसेस है, और बाद में इनका ग्रॉस सैलरी यहाँ पे है। तो वी लुकअप का मतलब होता है कि आपको एक किसी भी बहुत बड़े टेबल से कोई भी स्पेसिफिक अगर कॉलम उसको सर्च करना है, फिल्टर करना है, एक तरह से आप बोल सकते हैं जो फिल्टर हमारा होता है ये भी एक एडवांस लेवल का फिल्टर या ऑप्शन कर सकते हैं आप इसे वी लुकअप को, तो कहीं से भी ये सर्च निकालेगा पूरे टेबल में से किसी भी प्रॉपर कंटेंट को सर्च निकालेगा ये। तो कैसे निकालना है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, वी लुकअप फार्मूला को यूज़ करेंगे और एक एक करके इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो टेबल एरे रहेगा क्या क्या इसमें कौन से इंडेक्स यूज़ करने हैं, कैसे इसको देखना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक लिया है यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, और कुछ एम्प्लॉयज़ के आईडी मैंने लिए हुए हैं, इनका हमें बेसिक सैलरी जानना है और या तो ग्रॉस सैलरी, कुछ भी आपको जानना है, तो उसको कैसे हम फिल्टर करें। हमें मालूम नहीं है कि ये एम्प्लॉय कहाँ पर इस टेबल में है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये 100 ये 1012 ही है, यहाँ पे 1000 कुछ और हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 और ये 23 है सपोज करिए। अभी हमें नहीं मालूम IC 1023 एम्प्लॉई आईडी जिसकी है उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, और ये इस टेबल में है भी या नहीं भी, ये भी अभी डाउट है ना। तो ये वी लुकअप फंक्शन क्या करेगा, वी लुकअप फार्मूला से आपको यहाँ से फिल्टर करके निकाल देगा इस पर्टिकुलर टेबल में से कि ये है, अगर वो है तो उसका बेसिक सैलरी या उसका ग्रॉस सैलरी जो भी आप फिल्टर करना चाहते हैं वो निकाल देगा यहाँ से। तो चलिए हम देखते हैं आपको देखते हैं कैसे इसको यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी हमें कॉलम यूज़ करनी है उसको हम देख लेते हैं। बेसिक सैलरी हम निकालते हैं कि इस रोल नंबर का, इस एम्प्लॉय आईडी का बेसिक सैलरी क्या है। तो निकालने के लिए हमें क्या करना है, वी लुकअप फार्मूला यूज करना रहेगा। इसके लिए आपको इक्वल टू लिखना है यहाँ पर, और सिंपली आपको लिखना है वी और एल, जैसे लिखेंगे वी लुकअप आ जाएगा, और यहाँ पे आप प्रेस कर दीजिए डबल क्लिक, और यहाँ पे देखिए वी लुकअप फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे आपको पूरा ही दिखाएगा, आप यहाँ देखिए वी लुकअप के बाद क्या है, लुकअप वैल्यू है, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सर्च करना चाह रहे हैं। तो हम सर्च क्या करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये पूरे कॉलम के लिए हो जाएगा, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये एम्प्लॉय आईडी हमें इसी के अकॉर्डिंग हमें सर्च करनी रहेगी वैल्यू, और इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, देखिए यहाँ पे कॉमा रहेगा, तो लुकअप वैल्यू कॉमा, तो कॉमा दे दीजिए, फिर बोल रहा है यहाँ पे टेबल एरे कि आप किस टेबल में से इसको, इस पर्टिकुलर रो को या कॉलम को सर्च करना चाह रहे हैं। तो हमारा टेबल ये है, तो इस पूरे टेबल को आपको सेलेक्ट करना रहेगा, यहाँ पे हम पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और हम ले लेंगे यहाँ से A2 से और लास्ट तक हम इनको ले लेंगे, जितना बड़ा टेबल है आपके 1000 अगर इसके रो कॉलम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये सर्च करके निकाल देगा, ये दे देना है। और इसके बाद फिर से हमें कॉमा लगाना, देख लीजिए फिर से यहाँ पे वैल्यू है ना, लुकअप वैल्यू, तो हमने क्या लुकअप सर्च करनी इसको, और उसके बाद टेबल एरे, टेबल को हमें देना है, फिर कॉमा देना है, कॉमा देने देते रहना है। और इसके बाद यहाँ पे दे रहा है कॉलम इंडेक्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना होता है कि इंडेक्स कॉलम क्या है, कि कितने कॉलम अभी हमारे पास हैं। देखिए ए बी सी डी जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ए बी सी डी ई और कहाँ तक है, एच आई तक हमारे पास है। तो इसको अगर नंबर में काउंट करोगे आप तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कॉलम है। अब आपका जो लुकअप है किस कॉलम में है, हम क्या सर्च कर रहे हैं, बेसिक सैलरी सर्च कर रहे हैं, तो बेसिक सैलरी देखिए कहाँ पे है, सी नंबर, मतलब क्या 1 2 3 नंबर पे है, तो हमारा कॉलम नंबर क्या रहेगा यहाँ पर, 3 रहेगा। अगर आप सपोज करो आप डीए सर्च कर रहे होते तो आपका ये कॉलम नंबर होता 1 2 3 4 5 और 6 रहता। अगर आप सर्च करते रहते क्या ग्रॉस सैलरी, तो आपका कॉलम इंडेक्स होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पे रह गए। तो अभी हम बेसिक सैलरी सर्च कर रहे हैं, तो बेसिक सैलरी का हमारा है 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। और इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया है रेंज लुकअप, किस रेंज को आप सर्च करना है। यहाँ पे क्या होता है, आपको देना रहता है कि लगभग वैल्यू सर्च करनी है, एग्जैक्ट आपको लेनी है। तो दो ही चीज होती है, या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स। ट्रू के केस में क्या रहता है, 0 रहता है, एग्जैक्ट वैल्यू वही आएगा। और अगर 1 आप प्रेस करोगे तो अप्रॉक्स में लगभग में वो उसी के इर्द गिर्द रहेगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना, तो या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमा और 0 करेंगे, तो एग्जैक्ट वही वैल्यू आपको सर्च करके दिखाएगा। और यहाँ पे हमें कर देंगे क्या, ब्रैकेट क्लोज और प्रेस करेंगे एंटर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि IC1001 का वैल्यू जो है 15,000, यहाँ पे जाके देख लीजिए, ये देखिए उसका ये 15,000 है। अब आप इसी तरह 1007 का, इसका इसका जितना भी बड़ा टेबल आपके पास है, आप क्या करो इसको ड्रैग कर दो, आपका पूरी वैल्यू निकल जाएगी, सभी यहाँ पे आ जाएगा। ये यह देखिए यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1007 की वैल्यू है 16,007, आप देख लीजिए यहाँ पे 7 की वैल्यू है 16,700। 1023 की वैल्यू देख लिया जाए, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 16,780 रुपीज़, सही है या गलत है, तो 1023 की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, ये 16,780 ये रहा। तो ऐसे हम सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है इंटरेस्टिंग, यहाँ पे अभी कोई वैल्यू नहीं है, मैंने यहाँ तक इसको ड्रैग कर दिया, जैसे आप कुछ लिखेंगे वो चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, सपोज करो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आईसी और 1026 में लिख रहा हूँ, वो चीज़ आ जाएगा ऑटोमेटिक। 1026 वैल्यू आप जाके देख लीजिए, यही रहेगा 18,500। तो 26 की वैल्यू हम देख लेते हैं यहाँ पे, देख लीजिए, तो 18,500 ऐसे आ जाएगा। चलिए हम ग्रॉस सैलरी को सर्च करके दिखाते हैं आपको। अब हमें देखना है इसका ग्रॉस सैलरी क्या है, इन जितने आईडी हैं एम्प्लॉय आईडी, इनकी ग्रॉस सैलरी हमें चाहिए, राइट। तो ये कॉम निकालेंगे, उसको ड्रैग करेंगे, सभी अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे लिखाना है, फिर से देख लीजिए, इज इक्वल टू और क्या देना हमें, वी लुकअप वी एल लिख के, और यहाँ पे हम डबल क्लिक कर लेंगे। और अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें देना, सबसे पहले हमें क्या देना होता है कि आपको वैल्यू क्या सर्च करनी है, व्हाट वैल्यू यू आर लुकिंग। तो आई एम लुकिंग द पर्टिकुलर वैल्यू एम्प्लॉय आईडी, इसको तो आप इसको सेलेक्ट कर लिए, फिर कॉमा, कहाँ से आप सर्च कर रहे हैं, किस टेबल में से, कहाँ से, तो हमारा टेबल ये है, तो इस पूरे इंटायर टेबल को आपको सेलेक्ट करना रहेगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दिया,
कहाँ से? तो इसका आंसर हो गया पूरे टेबल से। और अब पूछ रहा है ये क्या, राइट, इस टेबल में से क्या कहाँ तक आपको करना है? तो हमें करना, फिर से हम कॉमा देंगे और करना है ग्रॉस सैलरी, तो मतलब यहाँ तक हमें सर्च करना, कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे है, तो हमारा कॉलम नंबर, कॉलम इंडेक्स क्या हो जाएगा, 9 यहाँ पे हो जाएगा, और कॉमा ट्रू या फॉल्स, एग्जैक्ट वही चाहिए तो हम 0 या तो 1, तो हम 0 देंगे, हमेशा हमें 0 ही देना रहता है। और इसको हम क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को और एंटर प्रेस करेंगे, और आप यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी आईसी 1001 की जो ग्रॉस सैलरी है 28,200 रुपीस है, और इनको हम अगर ड्रैग करेंगे तो यहाँ तक मैं ड्रैग कर रहा हूँ, और देखो सभी की अपने आप इनकी ग्रॉस सैलरी आ गई, और यहाँ पे जैसे हम कोई भी डालेंगे, सपोज कर 1000, हमें 1011 का देखना है, आईसी 1011 का क्या बेसिक सैलरी है और क्या उसका ग्रॉस सैलरी है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे हम ये आईडी लिखेंगे उसका दोनों यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगा। तो मैं चलिए लिखता हूँ आईसी 1011, और जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे आ जाएगा, तो कोई भी वैल्यू ऐसे आप सर्च कर सकते हैं, आईसी 1017 इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, आईसी 1019 ये सारी वैल्यू ऐसे आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, और इसमें करना क्या है, बस एक चीज ध्यान रखना आपको कि हमें सबसे पहले लुकअप क्या करना है, राइट, तो वो चीज़ आपको स्पेसिफिक रेंज जो है उसको देना रहेगा, जैसे मान लीजिए हमें नेम अगर सर्च करनी है तो हमें ये देना रहेगा, तो यहाँ पे अगर वो है उसको देना रहेगा, हम क्या सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, आईडी के अकॉर्डिंग हम सर्च करा रहे हैं तो आईडी के अकॉर्डिंग ये देगा, अगर नेम के अकॉर्डिंग हम कराते हैं नेम के अकॉर्डिंग हो जाता, ठीक है, तो कोई एक हमें सोर्स देना रहेगा, उसका टारगेट ऑटोमेटिक को फिल्टर कर लेगा, राइट, तो वी लुकअप बहुत पावरफुल होता है। ये चीज़ हम सेम टेबल पे कर रहे हैं, सेम शीट पे कर रहे हैं, इसको हम अलग शीट पे भी कर सकते हैं, दूसरे शीट पे भी कर सकते हैं, दूसरे रिलेटिव रेफरेंस से भी हम कर सकते हैं, मतलब एक शीट से दूसरे शीट पे भी हम इसकी वैल्यू को फिल्टर कर सकते हैं। सो गाइस, फिल्टर ऑप्शन यूज करने से पहले आपको टेबल बनाना जरूरी होता है, इनफैक्ट नॉट ओनली फिल्टर, कोई भी एक्सेल में एडवांस लेवल पे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास एक टेबल होना जरूरी होता है, जब तक आपके पास स्पेसिफिक टेबल नहीं रहेगा तब तक आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और उस फंक्शन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल बना रखा है जिसमें मैंने नेम लिया है, सिटी लिया है और सेल्स लिया है, तो ऐसे कोई भी आप क्राइटेरिया चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से बहुत सारी एंट्री मैंने कर रखी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पर, और इसको मैं फिल्टर करना, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग नेम है और अलग अलग सिटी से लोग बिलोंग करते हैं, कोई बेंगलोर से बिलोंग करता है, मुंबई से, दिल्ली से, राइट, ये 3 सिटी से लोग बिलोंग करते हैं। और अब हमें जानना है कि जैसे मान लो कि दिल्ली से कौन कौन लोग बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली के सारे एम्प्लॉयज़ के लिस्ट हमें चाहिए, तो ये कैसे हम लाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, फ़िल्टर ऑप्शन को यूज़ करना रहेगा, ये बहुत बेसिक लेवल अभी फ़िल्टर का है, तो इसके लिए हमें फ़िल्टर यहाँ पे यूज़ करना रहेगा। फ़िल्टर यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे अगर कोई भी आप एक्सेल का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, मैं इस समय 2010 पे काम कर रहा हूँ, अगर 7 है, 2010 है, 13 या कोई भी वर्जन है, तो उसमें दो जगह आपको फिल्टर ऑप्शन मिलेगा, एक तो होम ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट, यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऐसा कुछ करना है, शॉर्टिंग करनी है उसके लिए है, और इसी में आपको फिल्टर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप फिल्टर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप डेटा में जाकर और यहाँ से फिल्टर ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन है, यहाँ पे फिर क्लिक कर दीजिए और आपको फिल्टर ऑप्शन मिल जाएगा। तो
यहाँ से हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं इनको, और यहाँ पे देखिए फिल्टर ऑप्शन हमें मिल गया, तो ये कहीं से आप यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें फिल्टर करनी है तो हम क्या करते हैं, सिटी में इस पॉइंट पे क्लिक करनी है आपको, और यहाँ पे देखिए अलग अलग सिटी को इंडिकेट कर रहा है, आप यहाँ पे अनचेक पहले कर लीजिए सेलेक्ट ऑल को, सभी हट जाएगा, और जिस सिटी को आपको सर्च करनी है आप उसको यहाँ पे चेक कर दीजिए। तो मैं दिल्ली के सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में चाहता हूँ कौन कौन लोग हैं, उनके कितने सेल्स हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दिल्ली ऑप्शन को टिक करूँगा और ओके कर दूँगा, और अब आप देख सकते हैं केवल दिल्ली के सभी नेम आ रहे हैं, उनके सेल्स आ रहे हैं। और इसको आप चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसको, और कहीं पे भी आप ले जा सकते हैं इसको, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये दिल्ली का लिस्ट हो गया। इसी का अब फिर से हमें चाहिए, फिर से कॉपी कर लिया आपने, फिर से एज इट इज़ आपको चाहिए वापस, तो फिर यहीं पर जाना है आपको, इस ड्रॉप करना है और यहाँ से सेलेक्ट ऑल आप क्लिक कर दो, फिर से सारे लिस्ट आ जाएंगे एज इट इज़ जैसे पहले था। अब हमें बैंगलोर के सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट चाहिए, तो यहाँ जाकर हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट ऑल को हटा लेंगे और यहाँ पे बैंगलोर को हम क्लिक कर लेंगे, यहाँ से बैंगलोर के सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आपको मिल जाएगी, राइट। तो ये तो हो गया हमारा, किसी क्राइटेरिया को ऐसे हम फिल्टर कर सकते हैं। और अब हम कुछ टेक्स्ट फिल्टर के बारे में बात करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, नेम में चलते हैं, नेम में बहुत सारे नेम यहाँ देख सकते हैं, अमित है, मोहित है, निशा, बहुत सारे लोग हैं, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फिल्टर, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ देखो टेक्स्ट फिल्टर पे जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इक्वल पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इक्वल्स क्या, इक्वल्स अमित अगर हम लिख देते हैं AMIT, तो क्या हो जाएगा, अमित का यहाँ डेटा आ जाएगा, राइट। जो भी डेटा आपको देख, कोई जरूरी नहीं दिखना है यहाँ पे, कोई भी नेम जो आपको लगता है कि वो नेम इसमें है, आप उसको लिखेंगे तो वो चीज़ आ जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे राजा लिखता हूँ, हमें मालूम नहीं है राजा है या नहीं है, चेक करना है। बहुत मान लो आपके पास 10,000 लोगों का नाम है यहाँ पे, और राजा है या नहीं आपको सस्पेंस है, तो आप उस केस में यहाँ पे लिख दो, अगर रहेगा तो लिस्ट आ जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राजा, और देखते हैं ये राजा है कि नहीं इस लिस्ट में, यस है राजा एक यहाँ पे, राइट। तो ऐसे आप कोई चीज़ किसी भी नाम को आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, फिर से मैं सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ सारा आ जाएगा, और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन के ओर हम देखते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में जाकर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डज नॉट इक्वल, जस्ट इसके अपोजिट में काम करेगा। अमित यहाँ पे है और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अमित लिख देता हूँ, अमित इज नॉट इक्वल, राइट। तो मतलब क्या है, अमित को छोड़ के सारे जितने अमित रहेगा उसको हाइट कर देगा, और उसको छोड़ के सारे नेम यहाँ पे आ जाएगा। फिर से आप इसको एक बार देखिए, इट्स इम्पॉर्टेंट, कभी कभी स्किप करना रहता नेम हमें, तो डू नॉट यूज। और यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ देखिए आप निशा है, निशा को मैं जैसे लिखूंगा, निशा को छोड़ के सारे नेम यहाँ पर इंडिकेट हो जाएगा। तो मैं निशा लिख दिया और यहाँ पे कर दिया ओके, और देखिए आप निशा को छोड़ के सारे लिस्ट यहाँ पे आ गए हैं। तो इक्वल्स का यूज़ ऐसे एंड नॉट इक्वल का यूज़ ऐसे कर सकते हैं आप। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, ये सब ऐसे यहाँ पे बिगिन विथ, बिगिन विथ हम क्या करते हैं, ऐसे नेम हमें चाहिए जिनका नाम जो है एन से स्टार्ट है। तो बिगिन विथ एन, हम एन जैसे लिखेंगे, एन से जो जो नाम रहेगा सारा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए एन से निशा, नगमा, नितेश, नासिर, ये सारे नेम यहाँ पे इंडिकेट, ये फिल्टर होने के बाद आप जब चाहो इनको कॉपी करके कहीं पे भी आप इसको ले सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं इस स्पेसिफिक ये क्राइटेरिया को, राइट। तो ऐसे हम टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। और कुछ देख लेते हैं इसमें, अगर कुछ है तो विद इन, और यहाँ पे दिया है एंड विद। अब एंड में देख लीजिए आप क्या है, एंड में मैं चाहता हूँ ए जिसका नाम मेरा है वो आ जाए, तो एंड में ए आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों के एंड में निशा है, ये सभी क्या लास्ट में ए है, तो सारे ऐसे नेम लिस्ट हो गए। और अगर हमें देखना है यहाँ पर एंड विथ कुछ और नाम दे देते हैं, एच दे देते हैं, ठीक है, लास्ट में एच होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नितेश है, आशुतोष, लास्ट में एच आएगा।
तो इस तरह के भी मतलब आपको सस्पेंस नेम, आपको कंफ्यूजन है कौन सा नेम है क्या है, तो उस केस में आप स्टार्टिंग और एंड, जैसे मान लो एन से आपको लग रहा कि एन से स्टार्ट है इस पर्सन का नाम और बट हमें याद नहीं है, निशा है, नेहा है या नाजीर है, जो भी है ना उसका नेम हमें याद नहीं है, तो उस समय हम एन देखें उस लिस्ट में। जैसे मान लीजिए आपके पास 200 लोगों का लिस्ट है और ऐसे सस्पेंस लिस्ट है आपके पास, सस्पेंस नेम है, तो आप एन प्रेस करो चाहे आर प्रेस करो, आर प्रेस करोगे 8 से जितने नेम रहेगा वो आ जाएगा, या स्टार्टिंग में ही आपको कुछ क्लियर है तो लास्ट में आप देखो क्या नेम में उसके आ सकता है, तो ऐसे हम फिल्टर कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते देखते कुछ और यहाँ पे कंटेंट अगर कुछ है तो इसको ऐसे इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, तो ज़्यादातर यूज़ हम इसका कर लेते हैं यहाँ से, राइट। और इसमें देखते हैं, हम देखिए यहाँ पर टेक्स्ट विथ, यहाँ देखो कंटेंट अगर हम बात करते हैं यहाँ से, कंटेंट में कोई भी, जैसे अगर आपको सस्पेंस एंड का भी नहीं मालूम है और स्टार्टिंग का भी नहीं मालूम है, किससे स्टार्ट हो रहा है नेम, राइट, कोई भी लेटर नहीं मालूम है, तो कोई भी एक जो भी आपको ए बी सी डी लगता है कि उसके नेम में रहेगा तो उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैं चाहता हूँ ए कहीं भी हो, ये स्टार्टिंग में हो या एंड में हो, तो वो मैं दे देता हूँ यहाँ से, राइट। तो ए से स्टार्ट या एंड या बीच में कहीं रहेगा, ये सारे नेम आ गया जो स्टार्टिंग में रहेगा या एंड में कहीं भी रहेगा, देखिए यहाँ पे ये कहीं ना कहीं रहेगा इसमें, और ऐसे ही आप देख सकते हैं, कोई और देख लो यहाँ से, और यहाँ से मैं दे देता हूँ कंटेंट विद बी, दे देता हूँ मैं बी, देखिए किस में आपको मिलेगा, यहाँ देखिए बलवंत यहाँ पे है बी, और यहाँ पे देख सकते हैं राजबीर, यहाँ पे भी बी है, तो कहीं पे भी ये लेटर अगर उस वर्ड में है, उस नेम में है ये, तो वो आपको फिल्टर करके दिखा देगा। और भी कोई नाम सर्च कर लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे अगर हम देखते हैं सी, तो सी किसी भी नेम में, जितने हमारे लिस्ट हैं मान लो 200 लिस्ट है उसमें से सी किसी में यूज नहीं हुआ है इसलिए लिस्ट नहीं दिया। चलो एक और लास्ट हम कर लेते हैं डी, देख लेते हैं डी किसी में है या नहीं है, तो डी भी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। चलो ई देख लेते हैं, ई किसी में यूज जरूर हुआ होगा, तो ये देखिए ई नितेश ई, राइट, राजवीर ई, श्वेता नेहा ई, तो ऐसे सभी में, तो बहुत सारे कंडीशनल फिल्टर होते हैं ऐसे आप यूज कर सकते हैं कभी भी, राइट। और अगर हम इसके अपोजिट में देखेंगे यहाँ पे, राइट, डज नॉट ई कॉन्टेंट, मतलब ये कॉन्टेंट ऐसे हम लेटर लिखते हैं कि वो इस कॉन्टेंट में हो ही ना, राइट, इस नेम में हो ही ना, तो जैसे हम लिखते हैं देखते बी, तो बी वाला जो रहेगा ये मैं लिख देता हूँ, तो ये वाला इसमें नहीं आएगा, इसको हाइड कर देगा, देखिए ये वाला पूरे लिस्ट में, और अगर हम दे देते हैं यहाँ से बी तो बी वाले को हाइड कर देगा ये, तो बाकी सभी आ जाएगा, देखिए ये वाला सारा आ गया, और अगर हम दे देते हैं डी, डी तो क्या करेगा, डी जिसमें जिसमें यूज हुआ है उन सभी लोगों को हाइड कर देगा। डी नॉर्मली कम लोग यूज करते हैं, कम लोगों के नेम में रहता है, ये ज्यादा यूज रहता है चाहे कहीं पे यूज करो, अमित है चाहे निशा है चाहे नगमा, हर जगह ये का यूज होता है, ये को अगर आप स्किप कर दोगे, डज नॉट कॉन्टेंट कर दोगे तो बहुत सारे स्किप हो जाएंगे, देखिए ये को मैंने कर दिया तो बहुत सारे नेम यहाँ से ऑटोमेटिक अनफिल्टर हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे हम इसको टेक्स्ट को यूज कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बेसिक लेवल का फिल्टर है, अगर हमें पूरा चाहिए सारा चाहिए तो आप सेलेक्ट ऑल कर दो, सारे नेम आपको मिल जाएगा, या यहाँ से कंडीशनल आप कस्टम कर सकते हो, किसको किसको आपको लेना है किसको किसको नहीं, यहाँ सारे लिस्ट आपको दिखेंगे, जितने भी नेम रहेगा 200 100 जितने भी रहेगा सारे, उसमें से कौन कौन सा नहीं चाहिए उसको आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, तो वो लिस्ट आपको यहाँ पे आ जाएगी, तो वैसे भी कर सकते हैं ऐसे भी हम कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल में फिलहाल अभी कर ले रहा हूँ, सारी लिस्ट हमें चाहिए यहाँ पे आ गया, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा ये,